अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं बात करूंगी ख्वाबों की। अगर आप एक औरत से, एक लड़की से, एक बच्ची से उसके ख्वाबों के बारे में पूछते हैं तो उसके ख्वाब बदलते जाते हैं उसकी उम्र के साथ साथ। जब वो छोटी होती है तो वो गुड़िया, खिलौने, टॉफियाँ, आइसक्रीम, च्युइंगम, इन चीज़ों के ख्वाब देखती है। जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है उसके ख्वाब तब्दील होते जाते हैं। फिर वो किसी शहज़ादे के ख्वाब देखने लगती है और जब फिर वो शहज़ादा उसे मिल जाता है तो उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के ख्वाब शुरू होते हैं। और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आप जब भी किसी औरत से पूछेंगे, औरत क्या, किसी मर्द से भी पूछेंगे तो सबका ख्वाब यही होता है कि हमारा अपना घर हो। और हमारा अपना घर ना भी हो तो ऐसा घर हो जिसमें हमें सुकून मिले, छोटा हो भले लेकिन सजा हुआ हो, साफ़ सुथरा हो। मगर इस ख्वाब देखना बहुत आसान होता है लेकिन ख्वाब की ताबीर जो है ना वो आसान नहीं होती। एक पूरा कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक पूरा सफ़र तय करना पड़ता है और वो सफ़र कभी कभार अंधेरी गलियों से होके गुज़रता है, वो सफ़र कभी कभार कांटे भरे बाहों से होके गुज़रता है, वो सफ़र कभी कभार खड्डे वाले सड़कों से होके गुज़रता है। आजमाइश से भरा हुआ वो सफ़र होता है। और फिर उसके बाद जब भी सफ़र मुकम्मल हो जाता है, आपका घर बन जाता है तो आपको लगता है कि जैसे आप फारिग हो गए हैं ना, मतलब आपके सर पर या आपके कंधों पर जो एक बोझ था वो हल्का सा उतर गया। लेकिन इस ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने के लिए, यानी इस घर को बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए? अगर मैं आपको बिल्कुल एक टीचर की तरह समझाऊं तो कुछ ऐसे समझा पाऊंगी। दिखाइए जी पहली स्लाइड। ओके, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपको चाहिए सरमाया, यानी कतरा कतरा दरिया बनता है, समंदर बनता है। सो आपको अपने पैसे जोड़ने पड़ेंगे, VCs डालनी पड़ेंगी, कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कोई लोन लेना पड़ेगा और जाके जब आपके हाथ लगेगा सरमाया फिर आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है। फिर सेकंड, सरमाए के साथ साथ आपको लोकेशन, मुकाम, जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चादर से ऊपर पैर फैला लेते हैं और ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं जहां वो नहीं घर बना सकते, उनके सारे जमा पूंजी सिर्फ ज़मीन ख़रीदने में ही लग जाती है। सो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको लोकेशन हमेशा वही चूज़ करनी चाहिए जो आपको लगता है कि आप सारी चीज़ों, आप ऐसा ना हो सारी टेंशन आपके सर पे सारी ज़िंदगी तलवार लटकती रहे कि मुझे इसके लोन उतारना है, मुझे घर के लिए ये करना है, वो करना है। फिर थर्ड आता है आपका ठेकेदार। जब आपको लोकेशन चुन ली, ठेकेदार आपको सारी गाइडलाइंस देता है कि कैसे वो कहते हैं ना बेस बनेगी, कैसे किस तरह का नक्शा होगा, वो सारा हेल्प आपको ठेकेदार कर रहा होता है। और वक्त सबसे ज़्यादा लगता है आपका, वक्त और मेहनत। ऐसा नहीं होता कि आपने ठेकेदार के हवाले कर दिया अपनी लोकेशन, अपना घर, तो आपने वहाँ चक्कर नहीं लगाना। मेरी अम्मी को, मैंने जब हमारा घर बन रहा था, मेरी अम्मी को मैंने मज़दूरों के साथ उस कच्चे घर में बैठे हुए देखा है क्योंकि मज़दूर सही टाइम पर नहीं आते थे, काम नहीं करते थे, ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता था, सही सीमेंट या सही क्वालिटी की चीज़ें नहीं लगा रहा होता था। सो किसी को, घर के किसी फर्द को जाकर सर पर बैठना पड़ता है और उसके बाद वो मेहनत और वक्त लगाता है तो जाके घर की होती है तामीर। अब घर की तामीर के बाद क्या चाहिए ज़रा? ओके, घर की तामीर हो गई, आपने हर चीज़ बड़ी फर्स्ट क्लास टाइल्स, अंदर केबल वायर्स वगैरह सारी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के लगा दी, फिर आपको घर के सजाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले फर्नीचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, बर्तन चाहिए, पर्दे चाहिए, कालीन चाहिए, यानी एक और इन्वेस्टमेंट। इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको ज़िंदगी का एक और फेरा लगाना पड़ता है और ये कोई आँख झपकते ही नहीं हो जाती चीज़, इसके लिए टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँगी, ज़ाहिर मैं अपनी ही मिसाल सबसे बेहतर दे सकती हूँ कि जब हमने घर लिया और हम अपने घर में शिफ्ट हुए तो बैंक अकाउंट खाली हो चुके थे, हमारे पास सौदा डालने के भी पैसे नहीं थे, ये हाल था।
और फिर मैंने अपनी अम्मी से उधार लिया कि अम्मी तनख्वाह आएगी हम लोगों की, यासिर किया मेरी, तो फिर मैं आपको दे दूँगी। उस सौदा डालने के लिए मैंने पैसे अपनी अम्मी से उधार लिए थे, मुझे वो वक्त आज भी याद है। और उसके बाद फिर जब सैलरी आई थी तो मैंने अम्मी को पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन उसके बाद हम ऐसे घर में शिफ्ट हुए जो बिल्कुल कोरा था, इन द सेंस ना पर्दे थे, ना कोई ऐसा फर्नीचर था कोई ख़ास, नया घर था। यही सोचा था कि एक एक करके, फिर हम एक कमरे में थे, पहले एक कमरा सजाया, उसका फर्नीचर आया, बजट आया तो उसके पर्दे लगे, फिर दूसरा कमरा, इस तरह करते करते अभी तक इतने साल हो गए हैं लेकिन वो सजावट कंप्लीट नहीं हुई। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। अभी बारिशें हुई तो पूरा ड्राइंग रूम जो था वो बर्बाद हो गया, उसको अब दोबारा बनाना है। इस काबिल नहीं है मेरा ड्राइंग रूम कि मैं मेहमानों को बिठा सकूं। सो ये स्ट्रगल घर बनाने की, घर सजाने की, ये जारी रहती है। और इस सारी स्ट्रगल के साथ जब आप ये सब कुछ कर लें और फिर भी आपका घर जो आपको साफ रखना है वो ना रह सके, तो सारी मेहनत रायगा जाती है। सो अब आ जाएं आप उस मेंटेनेंस की तरफ जो हम सब को, चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, किसी भी लोकेशन पे वाक्य हो, ये स्लाइड आप सबके लिए दिखाइए ज़रा। हाँ जी, आपको घर को मेंटेन रखने के लिए, सफाई सुथराई के लिए क्या क्या औज़ार, क्या क्या यूटेंसिल्स चाहिए, ये देखिए। क्या कहते हैं इसे, वो सुतली कहते हैं, सुतली चाहिए, ब्रश चाहिए, लिक्विड्स हैं घर साफ करने के लिए, तिनके वाली झाड़ू, पोचा है अलग अलग किस्म का, और अलग अलग लिक्विड्स हैं जो आपके घर को साफ सुथरा रखने में मददगार साबित होते हैं। आप कैसा भी, कितने भी पैसे लगा के, कितना भी अच्छा घर बना लें, अगर ये मेंटेनेंस नहीं होती घर पर, अगर ये सफाई सुथराई नहीं होती घर पर, कोई फ़ायदा नहीं इस महंगी चीज़ों को बनाने का। सो आइए, आज कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से, बड़ी स्ट्रगल के बाद घर बनाया, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल जारी है उसको साफ सुथरा रखने की, और वो कुछ अपने सलीकेशार होने की वजह से आज यहाँ आएंगे और आपको भी टिप्स देंगे कि आप अपने उस खूबसूरत आशियाने को कैसे सुधार सकते हैं। आप यकीन जाने, जिस दिन हफ्ता सफाई मनाई जाती है और मेरा घर साफ़ सुथरा होता है और मैं घर में कदम रखती हूँ, तो मेरी थकन उतर जाती है। उसी तरह यासिर का भी साथ यही है, जो घर के अफराद हैं जब उनको नज़र आता है कि घर साफ़ सुथरा है, और वो एक बात, मतलब मैंने एक, मेरी पड़ोसी थी, मैं उनकी सफाई से बहुत इंस्पायर्ड होती थी। वो क्या करती थी, हर हफ्ते उनके वो जार्स भी खाली होते थे किचन में जिन पर मसाला डलता है, और वो भी साफ सुथरे करके, यानी इतनी डेप्थ में उनकी सफाई होती थी कि किचन की सफाई के साथ साथ वो जार्स भी साफ सुथरे होकर उसमें मसाला छान छून के अच्छे से रखा जाता था। सो मतलब मुझे इस तरह की सफाई पसंद है, और मेरी एक कमज़ोरी है, हर किसी की कमज़ोरी होती है। आइए, एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, सेलिब्रिटी और सफाई साथ साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अलग अलग शोज़ में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आके अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं, कभी अपने प्रोफेशन को लेके, कभी अपनी शादी को लेकर, कभी अपने उस उन चीज़ों को लेकर, लाइक अपनी एजुकेशन, अपने पेरेंट्स, अपने बचपन। आज ये सेलिब्रिटीज़ अपनी स्ट्रगल शेयर करेंगे घर बनाने से लेकर, उसको मेंटेन रखने से लेकर। ये एक औरत की ही स्ट्रगल है, और मेरे पास चार खवातीन यहाँ मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात हो रही है जी। फिजा अली हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी है, और आपकी जैसी। हाय हाय, हमारे साथ बहुत ही काफ़ी दिनों बाद, यानी ये मेकअप का शो नहीं है, लेकिन इनकी इनकी जर्नी आपने देखी है। सबा हमारे साथ, लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है सबा और घर से, यू नो, वो कहते हैं जानते हैं उनका है। अभी तुम्हें बोल पड़ी,
अब ये बहुत ये इससे पहले कि ये वो कहते हैं ना कि और बातें निकले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, बड़े दिनों में बड़े दिनों बाद ये भी हमारे शो पे आई क्योंकि लॉर्ड शिफ्ट हो गई हैं। रबाब हमारे साथ, अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक हो? और शर्मीन अली कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। अब लोग हैरान, इन चारों को फैशन मेकअप और उस चीज़ों के लिए नहीं बुलाया, घर के लिए बुलाया, घर गृहस्थी के लिए बुलाया। आई एम सो ग्लैड कि आपने ये एपिसोड किए क्योंकि यूजुअली ये कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जो काम कर रही होती हैं ख़वातीन, स्पेशली जो मीडिया में काम कर रही होती है, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता अपने घरों के लिए। उनको नहीं पता होता घर कैसे चल रहे हैं, कैसे साफ़ हो रहे हैं, साफ़ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड आई थिंक ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम शुरुआत जो करें, सबसे पहला लेवल, मैं ये तो नहीं पूछूंगी घर बनाने के लिए किराए पे घर लेने के पैसे कैसे जमा किए, वो हम छोड़ देते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है ना कि पैसे जमा करो, बीसीज डालो, इन्वेस्टमेंट करो, सबसे मुश्किल काम। सो वो मैं नहीं पूछ रही, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये स्टेट एजेंट्स के साथ लोकेशन देखना, हम वहाँ से शुरू करें। एग्जैक्टली, धूप में घूमना, रेंट का घर हो या अपना घर हो, आपको लोकेशन ऐसी चाहिए होती है जो जहाँ आपका कम्फर्ट लेवल हो, घर के रिश्तेदार वगैरह जो लीजिए वो करीब हो। फिजा तुमसे शुरू करते हैं, तुमने तो घर वहाँ ढूंढा ना, मतलब अपने सब रिश्तेदारों से दूर लाहौर में। लाहौर में ढूंढा, इत्तेफाक से वो हो गया, मगर सबसे पहले जो मेरा घर था वो जो मैंने लिया था, हाँ, जो मैंने अपने पैसों से लिया था अम्मी के साथ मिलके, वो मैंने तौहीद पे अपार्टमेंट लिया था मेरी अम्मी को। हाँ, ख्वाहिश थी अम्मी, पाकिस्तान कराची में पहला घर, क्योंकि मैं जब काम करने निकली थी तो हम पहले रेंट के घर में रहते थे। अच्छा। और फिर रेंट का अपार्टमेंट था तीन तलवार पे, फिर इसी तरह हम रेंटों के अपार्टमेंट्स में रह रहे थे और रेंट के बड़े खर्चे जाते थे। तो जब मैं स्ट्रगलिंग कर रही थी और काम कर रही थी तो वो पैसे इतने बचते नहीं थे कि जिसमें अम्मी का भी इलाज हो जाए, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती थी, और फिर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, तो ये सारे मसले बहुत ज़्यादा थे। तो मैं कोशिश करती थी पैसे जमा कर दूँ, मैं शॉपिंग नहीं करती थी, खर्चे नहीं करती थी, लंडा की चप्पलें पहनती थी, सबको पता है मैंने जितना लंडा मैंने पहना है। मुझे याद है मैं इंडिया भी गई थी तो सबा मेरे साथ थी, बिल्कुल, तो मेरे पास से लंडा निकला था इतना और हर तरह की चीज थी ना इसके पास, इतना लंडा पहनती थी मैं। और वहाँ पर जब मैं गई हूँ तो मुझे वहाँ की शॉपिंग इतनी अट्रैक्ट नहीं की, सिवाय वो जो उनकी ओम 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 की जैसे पीले रंग की कुर्तियाँ होती है ना, तो जिसपे ओम शोम नहीं लिखा होता था, मगर वो जो एक ऑरेंज कलर की टिपिकल उनकी जो छोटी कुर्तियाँ होती है, वो मैंने खरीदी थी। सबा को याद होगा मैंने बड़ी पहनी, और वो सारे पैसे बचा दिए, सारे पैसे बचा गंदे से बाजार के, गंदे से जहाँ पे मुझे हर जगह इतनी स्मेल आ रही थी, मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, और स्पेशली इन सबको मिठाई खानी थी, रबाब भी थी हमारे साथ। ये देखो भाई शॉपहोलिक इतने हैं कि कहाँ घर की बात हो रही है, शॉपिंग पे निकल पड़े, फिर मैं घुमा के दोबारा घर की बात पे ला। 150-300 की ऐसी स्कर्ट। अच्छा तो मैं मुझे बताओ पैसे कैसे बचाए? छोटे छोटे पैसे ऐसे बचाए, और कोई शॉपिंग नहीं, कोई बाहर डाइनिंग नहीं करते थे। मुझे याद है हम ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना नहीं खाते थे, या कभी भूख लग रही हो शूट पे तो बर्गर वर्गर नहीं खाते थे, शूट वालों ने खाना दे दिया तो ठीक है, वरना फिर घर जाके जो भी दाल रोटी सालन सब्जी बनी है वो खाते थे। अम्मी की कुछ ज्वेलरी थी, अम्मी ने वो बेची, फिर मैंने जो पैसा जमा किया था वो टोटल 18 लाख का अपार्टमेंट था, मुझे आज भी याद है। और फिर अम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अम्मी के इलाज के लिए पैसे वैसे चाहिए थे, तो फिर हमने घर बेचा, वो घर 40 लाख का बिका 8 महीने में। अरे वाह, अपार्टमेंट वो बनाया भी बड़ा प्यारा था, मैंने उसकी छत सीलिंग पहली मरतबा बनाई थी, और जहाँ पे डाइनिंग थी तो वहाँ पे फाउंटेन बनाया था कि अम्मी इंटरटेन रहे, मैं घर से चली जाऊँ तो अम्मी जब डाइनिंग में बैठी हो, छोटी सी डाइनिंग थी, 3 टेबल उसके साथ चेयर्स थी बस, तो वो और 3 टेबल अलग अलग थी। फिजा वो लड़की थी जिसको घर से जाने का शौक था, या वो माई अम्मी के आने से पहले फर्नीचर चीजें उस घर में सेट कर दी थी, और रोज अम्मी को सरप्राइज देती, अम्मी ये सोफे बन के आ गए अम्मी, और सब कुछ उधार पे लिया था सारे लोगों से कि इसके पैसे में इंस्टॉलमेंट पे दूंगी, इसके इंस्टॉलमेंट पे दूंगी, छत वाले से भी इंस्टॉलमेंट पे काम करवा लिया था, ऐसे हल्का 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 करके काम करवा के होगा, मगर 8 महीने में 40 लाख का बिकना ये बड़ी लक थी। फिर उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, तो लाहौर जाके मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे घर खरीदने के लिए आपको करोड़ों चाहिए होते हैं, वहाँ पर ये लाखों में घर नहीं बनता।
फिर बड़ा दबाव के काम किया क्योंकि अब तो लाहौर क्या करा कराची लाहौर में बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है। लेकिन कंपैरेटिवली अभी मैं बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें, आप डिफेंस में जाएं और 500 यार्ड्स के घर को आपको खरीदना हो तो आपकी कहीं 12 से 14 करोड़ से कम में बात नहीं है। आप बताएं ना अपना पहला घर आपको याद है कि बनाया कैसे क्या? बहुत अच्छी तरह से याद है पहला घर तो निदा मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था और 3-bedroom अपार्टमेंट था। उस वक्त लग रहा था कि इन 3 bedrooms को भी हम कैसे डेकोरेट करेंगे या क्या करेंगे। तो बैक इन दोज डेज मैं जो थी अपने कुछ वैसे ही बहुत शौक था मुझे और फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही थी। फिर उसके बाद जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी वो सारी इसी इन्हीं फील्ड्स के अंदर थी। तो मैं क्या करती थी, छोटे छोटे आर्ट पीसेस बनाया करती थी। फिर मैं अपने कपड़े मैंने डिज़ाइन करने शुरू किए और मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए अमेरिका से। तो वो मुझे अब तक याद है, मेरे कज़िन ने मुझे ऑर्डर दिलवाया था और वो 2 suitcases मेरे भर के गए और वो सारे वहाँ पे सेल आउट हो गए मेरे कपड़े। तो उससे मैंने अपने पहले अपार्टमेंट का सोफा सेट बनवाया था और वो आज तक मेरे पास। अच्छा, कुछ भी हो जाए मैं उसको निकालती। मैं मेरी उसके साथ एक वो है कि यस आई अर्न दिस मनी एंड आई मेड दिस और वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो वो बड़ी प्यारी चीज़ होती है और उसमें उस वक्त केन का फर्नीचर डाल के, क्योंकि सबसे सस्ता वो मिलता था तो केन का फर्नीचर डाल के, लेकिन मैंने उस पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट किया था और उस वक्त भी लोग कहा करते थे इट्स ब्यूटीफुल। बल्कि अब तक मुझे याद है कि समीना वगैरह हुमायूं और समीना जो है इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी और इनका बड़ा ही अच्छा एक प्ले था, उसके लिए हुमायूं मरीना इन सब की रिकॉर्डिंग मेरे अपार्टमेंट। ओह वाओ, अच्छा, दे रियली लाइक माय अपार्टमेंट। वो मोहम्मद अहमद हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा। वो उन्होंने उनसे थ्रू कराया था, ये लोग आए समीना और फील्ड में नहीं थी। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, तो वो यादगार एक चीज के बाद शूटिंग हुई थी। मैं ब्रेक के दौरान ढूंढती हूँ वो ड्रामा था क्या आपकी लोकेशन। हाँ, वो मैं भी इतने देर में याद करती हूँ क्या था, कौन सा ड्रामा था, क्या था। खैर मुझे अब तक याद है हुमायूं था, मरीना थी और कौन लोग थे अभी याद आ जाएगा। अच्छा, जैसे घर बनाने के लिए होता है ना कि लाइक मैं कोशिश करती हूँ ऐसी जगह ढूंढूं कपड़ा जरा सस्ती जगह से मिल जाए या सोफे जा सस्ते हैं। मैं तो जाती हूँ किचन बनाने के लिए, गिजरी भी गई तो अलग अलग अंदर गलियों में जाके। निदा, मैंने अपने पहले अपार्टमेंट का, बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाई, अपने सबसे पहले अपार्टमेंट का संडे बाजार लगा करता था। ठीक है, तो संडे बाजार में उस वक्त नहीं, अब तो ग्लास टावर ये वो वहाँ पे आपको पर्दे भी बने बनाए मिल जाते हैं और हर चीज मिल जाती है। उस वक्त नहीं था। तो ये मैं आज पता है कब की बात कर रही हूँ, वे बैक इन 1993 बिगिनिंग की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त थोड़ी ये चीजें थी, एक ना ग्लास टावर था, ना बने बनाए पर्दे थे, ना बनी बनाई बेडशीट थी। तो मैं संडे मार्केट जाती गई थी और वहां से मैंने बेडशीट के कपड़े को उठा के उसके पर्दे बनाए थे। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बहुत बाद में आया और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया और इसीलिए उनको एक डिफरेंट चीज लगती थी। वो मेरा क्या होता था कि मैं मैगजीन्स देखती रहती थी, जितने भी हाँ जितने भी इंटीरियर्स के मैगजीन्स आया करते थे और इंटरनेशनल मैगजीन्स संडे बाजार से लेके। जो है आपको पिंटरेस्ट से मिल जाती है। हाँ, ये अब तो मैगजीन वाला दौर ही खत्म हो गया है ना, बट स्टिल आई लव बुक्स एंड मैगजीन्स एंड एवरीथिंग। उसकी अपनी बात होती है लेकिन अब वो खत्म हो गया है। तो उस वक्त मैं वो बुक्स उठाती थी ओल्ड बुक स्टोर से, और बिल्कुल उसको कॉपी कराती थी, केन का फर्नीचर लेके उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पेंट कर देती थी, खुद बैठ के किया करती थी, स्प्रे पेंट लेके पूरा पेंट किया करती थी। मैंने एक अपनी वॉल ऐसी क्रिएट की थी अपने अपार्टमेंट की कि जब आप उस अपार्टमेंट में एंटर होते तो आपका एक पैसेज था
तो उसको मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है वो स्प्रे जो पेंट आता है उससे येलो एंड ग्रीन कलर का किया था. उसके बाद नीचे जो है पूरा केन का ऐसे करके लगाया था कि उसको रोल किया था केन का, वो जैसे गेट होता है. अच्छा. तो वो फील होता था कि आप किसी गार्डन के अंदर एंटर हो रहे हैं. तो ये जो आर्टिस्ट होता है ना वो पैदाइशी आर्टिस्ट होता है. वॉलपेपर्स आ गए और अब सारे 3Ds और सारी चीजें आ गई. पहले ये खुद कैन यू बिलीव कि मैंने अपनी सेंटर टेबल कैसे बनाई थी. जो ये पॉट्स होते हैं ना, गमले जो होते हैं, ये लिए थे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के. वो बेस थी, उसको बेस बनाया था और उसको ऊपर शीशा रखा. जैसे मेरी अम्मी ने क्या किया, गई दरख्त कटवाए उन्होंने बराबर बराबर, इतने लॉग्स होते हैं उस जमाने के. ये अब फैशन में आते हैं, पहले नहीं आते थे. और अम्मी ने वो लेकर कराया बस उस जो लॉग्स थे उनको, और ला के रख लिया, उसके ऊपर शीशा लिया और उसके ऊपर लॉग्स के ऊपर रख लिया. तो ये मैं इतने सालों पहले की बात कर रही हूं, ये तो आप फर्नीचर शॉप के एक्सपेंसिव मिलता है वो तो बहुत सस्ता. और अभी तक है वो एक्सपेंसिव कितना मिलता है. और अब तो आपके पास प्रॉपर कर्टन वाले आके ड्रेपरी कर देते हैं. अब तो सब कुछ ठीक है. उस वक्त मैंने क्या किया था कि शिफॉन की दो साड़ियों से अपने ड्राइंग रूम में ड्रेप किया. ओह वाओ, ये टैलेंट. अच्छा ये आइडिया की बात होती है. मैं एक दफ़ा फैसलाबाद का सरीना होटल था, मैं उधर गई तो मुझे पहली दफ़ा विंडो के कर्टन्स का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. उन्होंने क्या किया था कि एक फ्रेम कटा हुआ था इस तरह, जैसे जैसे विंडो है, हम तो ऐसा होता है ना ऊपर रेलिंग लगा पर्दे गिर जाते हैं वो. सो मैंने देखा वहाँ जितने भी पर्दे लगे हुए हैं वो उस फ्रेम के ऊपर, जैसे क्या कहते हैं, खिड़की का फ्रेम जैसे बना हुआ, जैसे खिड़की का फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम बना हुआ है ना, इसके ऊपर पर्दे फ्रेम के बगैर ऐसे पेस्टेड है, ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई व्हाइट कलर के नेट टाइप पर्दे, और वहाँ छन के रोशनी आ रही है. लेकिन वो एक नेट था और सिल्वेट नहीं थी कोई, ऐसे बिल्कुल समझ आ रही है अगर मैं समझा रही हूँ. तो अब मैंने कहा यार ये इन्होंने कैसे किया है, क्या किया. मैंने अपने ड्राइंग रूम की, मेरी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, मैंने कॉपी की, कढ़ाई वाले के पास गई, मैंने कहा कढ़ाई करके दो सफेद रंग की जॉर्जेट पे, वैसे ही जैसे सरीना के उसकी कढ़ाई का मोटिफ था वो उसने हाथ से ड्रॉ करके मोटिफ बनाया. और उसके बाद इसी तरह के पर्दे मैंने वो वेलक्रो जो होता है वो स्टिकर जो होता है वो उसकी इर्द गिर्द एजेस पे लगाया, और लकड़ी के फ्रेम पे भी वेलक्रो स्टिकर लगा दिया. एंड देन वो पर्दे अब जैसे धुलते भी हैं तो निकल भी जाते, वेलक्रो से चिपक जाते टाइट. और वो मेरा ड्रॉइंग रूम इतना भारी नहीं लगता, क्योंकि लोगों के ड्रॉइंग रूम्स में वेलवेट के पर्दे होते हैं ये वो. सो आप आइडिया कहीं ना कहीं से पिक करते हैं. सो मैं अभी भी मेरे ड्रॉइंग रूम में वो वेल्क्रो वाले पर्दे ऐसे स्टिक ऑन हुए हैं. वाह, इन पर्दों पे याद आया ना. हाँ. फिर मुझे वही वापस पुरानी मेमोरीज में चली गई और अपने अपार्टमेंट पे जो मेरा वहाँ पे डाइनिंग रूम था. हाँ. तो वो जो है वो उसको मैंने बिल्कुल उस वक्त में सोचो बिल्कुल वाइट किया था. अच्छा. वाइट केन की छोटी सी टेबल थी. आहा. ठीक है, वो ओवल शेप की टेबल थी, छोटी सी फोर पर्सन्स वाली. अच्छा. उसको भी वाइट पेंट किया था. फिर मैंने वाइट मलमल खरीद के उस पे लाइट ब्लू डार्क ब्लू से ब्लॉक प्रिंट कराया था. ओ, और अच्छा. उसके पर्दे बनाए थे. वाह भाई. और उस वक्त कोई वो आइलेट कर्टन्स थोड़ी होते थे. हाँ, हाँ. लेकिन मुझे रेलिंग पे पर्दा नहीं चाहिए था, मुझे रॉड पे चाहिए था. तो लिटरली अम्मी के साथ घर बैठ के मशीन के ऊपर वो जैसे नेफा नहीं बनाते. हाँ. चौड़ा इस तरह का सिया गया था कि वो मूव भी कर जाए आराम से, और उसके कर्टन्स बनाए. मेहनत करते हैं मतलब. हाँ, मैं बेडशीट बनाती थी. मैं बेडशीट बनाती थी, मुझे शौक होता था कि फ्रिल वाली. हाँ. मेरे तकिए गिलाफ हूँ उस टाइम पे कि मैं फ्रिल खुद बनाती थी मैं. अच्छा. और अब तो नहीं, अब तो प्लेन ही शीट चल रही है. हाँ. जिस तरह का पहले तो फ्रिल वाला होता था कि आपके. हाँ. साइड में भी फ्रिल हो, आपके तकियों में भी फ्रिल हो. ब्रिटिश. हाँ. लुक. तो वो. हाँ, वो पहन. हाँ. खुद करती थी, खुद सीती थी. अच्छा, तो पूछ तो पूछ बताओ घर की स्ट्रगल या कोई ऐसी. यार घर तो हस्बैंड ने दिलाया था, फिर बनाया उसको मैंने. अच्छा. वो सारी मेहनत जो थी ना वो मेरी थी. अच्छा. और वो कहता भी है कि सारा क्रेडिट जो है ना ये इसको जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आता है जैसे रहने के लिए कि अब तुम. हाँ. केबल लगवा दो और तुम रह लो. तो मतलब वो ईंट से लेके
एक एक चीज़ जो है वो मैं खुद मजदूरों के साथ बैठ के खुद डिज़ाइन करके उनको बता के उनको कि इस तरह लगाओ, ऐसे लगाओ, इस तरह करो, तो वो मुझे बड़ा वो घर याद आता है अपना कि वो मैंने उसमें बड़ी मेहनत करी थी. जबकि लोगों के घर 8 महीने में बन जाते हैं, मंगला मेरा अपार्टमेंट 8 महीने में बना था. 8 महीने में लोग कहते हैं भाई अपार्टमेंट बन के क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों के बंगले 8 महीने में बन जाते हैं. मैंने अपार्टमेंट जो है वो 8 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हुआ था. वो भी धक्के मजदूरों को निकाला था कि अब निकल जाओ, और काम फिर भी रह गया था. और फिर मैंने, मुझे याद है कि पैसे नहीं थे तो ड्राइंग रूम नहीं बनाया था. ड्राइंग रूम खाली था, सिर्फ टाइल्स लगे हुए थे. तो हमने सोचा था कि पैसे जमा करेंगे और फिर उसके बाद है ना पर्दे लगेंगे, फिर सोफा आएगा. तो एक एक चीज आती रही और वो करते रहे हम लोग. तो बाकी चीजें सेट कर ली थी मगर ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल एम्प्टी था काफी अरसे. अब जैसे तुमने मुझे बताया ना, तो मजदूरों के साथ बैठी मैं वो फ्लैशबैक में चली गई. जिंदगी में पहली दफा शादी के बाद जब यासर के साथ मिलके अपार्टमेंट खरीदा. वो अपार्टमेंट यासर ने खरीदा था और वही उसने मुझे कहा कि तुम बनाओ. अब सिला पैदा होने वाली, मेरा 8 मंथ था और 8 मंथ में मुझे अच्छे से याद है टाइलें खरीदना, एक एक चीज किचन की चीजें खरीदना, खुद गई मैं. सो वो स्ट्रगल तो मैं भूलती नहीं हूँ. गोली मार जाऊं मैं कभी, गोली मार जाऊं. अच्छा कुछ बाहर की टाइल, गोली मार तो मैं भी गई, गोली मार. क्योंकि बाहर के जो टाइल्स थे मैं सोचती थी कि पैसे बचेंगे, जो टेरेस के टाइल्स है वो मैं गोली मार से ले लूं, जो अंदर के टाइल्स है वो थोड़ा सा अच्छा मैं डिफेंस से ले लूं. तो वो मिक्स करके कि भाई कहां बजट आप बचा सकते हैं, कहां आप क्या कर सकते हैं. उस तरह गोली मार, गोली मार. लाहौर में जो है वो इचरा शालमी बहुत मशहूर. अच्छा, कुछ तो वो चीजें जो है ना कलेक्ट करनी और वो तरीके. देखिए बात होती है, पैसा सबके पास होता है मगर कम पैसे में सलीके से चीजें करना और लगाना वो एक आर्ट है. और उसका मजा है, और उसका मजा है, उसका मजा. मतलब मैं एक मैंने एक मेरी लाउंज की एक वॉल थी, वो मैंने डीको पेंट करवाई थी अपने पेंटर से. अच्छा. उसमें कोई 4-5 कलर मिक्स थे. अच्छा. और उसी तरह की लकीली मुझे टाइल्स मिल गई थी लाउंज की. तो अब तो आप वॉलपेपर लगवा लें, अब तो कुछ भी कर लें, अब तो फैसिलिटी है. अब तो आपको आपके मन पसंद हैरान रह गई सुन के कि आप प्रिंट बताएं कि मुझे ऐसा पर्दा चाहिए. वो प्रिंट कपड़े पे उतर के आ जाता है भाई, ऐसा पर्दा आपको जो डिजिटल प्रिंटिंग. तुम बताओ अपने बारे में भाई. निदा, मेरा जो बेसिक स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था, आई वुड से 2015 में हुआ था, व्हेन आई मूव्ड बैक इन विद माय सिस्टर, विद माय डॉटर. और यू नो माय सिस्टर वाज काइंड इनफ कि उन्होंने अपने घर में मुझे एक कमरा दिया. उस कमरे में मैंने माय डॉटर कितनी छोटी थी सर? शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड. और उस एक कमरे में, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के घर में रह रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा फैलना भी नहीं होता ना, आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जो स्पेस है उसी के अंदर. उनकी प्राइवेसी, उनका एग्जैक्टली, यू नो दे काइंड इनफ कि आपको वो सॉर्ट ऑफ शेल्टर दे रहे हैं. मुझे रेंट की कोई फिक्र नहीं थी, मुझे किसी बिल की फिक्र नहीं थी. तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू यू नो टेक एडवांटेज. तो उस एक कमरे में मैंने 2020 तक अपने स्टे करके एक एक पैसा सेव किया. बिकॉज मेरी लाइफ का एक मिशन था कि आई हैव टू हैव माई ओन प्लेस. और मुझे रेंट पे इसलिए नहीं मूव आउट होना था क्योंकि मुझे पता था कि आप रेंट पे ठीक है, बहुत से लोगों को करना भी पड़ता है, लेकिन दैट्स जस्ट मनी गोइंग डाउन द ड्रेन. हर महीने आपके बैंक से पैसे निकल रहे जो वापस नहीं आएंगे. तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पास एक शेल्टर था, तो मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मुझे रेंट पे मूव आउट होना पड़े. बट उन 5 सालों में निदा, मैंने देयर वर टाइम्स व्हेन आई एक्चुअली वेंट विदाउट फूड आल्सो. मैंने खाने पीने पे पैसे नहीं खर्च किए, मैं बोटलिंग नहीं करती थी, मैं कोई कपड़ा नहीं बनाती थी, मैं किसी चीज़ पे पैसे नहीं खर्च करती थी क्योंकि मिशन था कि अपना घर लेना. मैंने उस स्पेस में ऑब्वियसली बेटी के साथ, यू नो शी वॉज ग्रोइंग अप, बहुत मुश्किल भी होती थी, लेकिन बस आई थिंक अम्मी, जैसे मुझे बचपन में बड़ा शौक था सैलड्स का, फ्रूट्स का, मैंने उन 5 सालों में लिटरली किसी चीज़ पे पैसा नहीं स्पेंड किया. कि अम्मी कहती थी तुम 2000 रुपये महीने के फ्रूट पे खर्च कर दोगी तो कोई कयामत नहीं आएगी, तुम्हारा मिशन जो है ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा. बट वो एक मेंटल ब्लॉक था कि नहीं, मैं किसी चीज़ पे नहीं स्पेंड कर सकती क्योंकि मैंने ये काम करना है. एंड देन अल्लाह मियाँ ने पता नहीं क्या दुआ, किस वक्त की दुआ कबूल की नहीं था, क्योंकि मुझे मूव आउट भी होना था बट मैं कभी अकेले ज़िंदगी में रही नहीं थी. तो और बेटी का साथ था तो मुझे ये भी डर होता था कि मैं अकेले कैसे रहूँगी. सिक्योरिटी सिचुएशन आपको पता है कराची की इतनी कोई अच्छी नहीं है. तो आई वॉज लकी इनफ कि जब कोविड हुआ तो मेरी बहन के जो बराबर वाला अपार्टमेंट था उनके टेनेंट्स चले गए.
जो लैंडलॉर्ड था वो बाहर रहते थे और उनके टेनेंट छोड़ के चले गए और 3 महीने उनको कोई टेनेंट नहीं मिला कोविड की वजह से. एंड दैट्स हाउ वी मैनेज टू कन्विंस देम कि अपार्टमेंट आप हमें बेच दें, मतलब वो बेचना नहीं चाहते थे, वो रेंट करते थे सर. तो इस तरह से जब वो मुझे अपार्टमेंट मिला ना, वही बात के अल्लाह मियां का करना हुआ कि वो बराबर वाला मुझे अपार्टमेंट. अच्छा, मेरी बहन के सामने वाला मेरी अम्मी का अपार्टमेंट है, तो मतलब इतनी सिक्योरिटी इससे ज्यादा मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी. बिल्कुल. और लिटरली हमने फिर ऐसा किया, वो 3 अपार्टमेंट्स और हमने यहाँ पे एक ग्रिल का गेट, मेटल गेट लगा दिया है, तो कॉर्डन ऑफ है पूरा हमारा एरिया. तो मैं कभी अगर घर से बाहर भी हूँ तो वो हम उस पर ताला डाल देते हैं. इट्स लाइक लिविंग इन अ बिग हाउस विद माई मदर एंड माई सिस्टर, बट वी ऑल हैव आवर ओन स्पेस. लेकिन निदा, जब वो मैंने अपना अपार्टमेंट खरीदा और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप मूव इन कर रहे होते हैं, वो टेनेंट्स ने यूज़ किया हुआ था, तो इट वॉज इन अ वेरी शैबी कंडीशन. मुझे सारे बाथरूम्स बनाने पड़े. वो जो आप, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने एक एक चीज़ गोली मार से ली है, यहाँ तक कि जो जो फ्लोर की जो वुडन पैनलिंग आप कराते हैं, अब सब कुछ गोली मार में मिलता है भाई. जो आपको एक्सपेंसिव शॉप से मिलता है, मेरे सैनिटरी सब कुछ मैंने गोली मार से. मैं और अम्मी जाते थे, 3-4 ट्रिप्स हमने लगाए, एक एक चीज़ मैं लेकर आई. लेकिन मैंने बाथरूम्स अपने पूरे बनवाए, मैंने अपना किचन पूरा बनवाया. और बराबर वाला घर था तो मैं तो बैठी ही उनके सर पे. वो सुबह जब 10 बजे आते थे तो मैं उनके सर पे बैठी होती थी, और जब शाम को 5 बजे जाते थे, ये तो बाजी बहुत जक्की है भाई, वो तंग आ गए थे मुझसे. लेकिन मैंने इस वजह से 8 महीने के बजाय 2 महीने में अपना अपार्टमेंट तैयार करवा लिया था. क्योंकि जो मैंने लिया था वो दूध की दुकान लग रही थी मुझे, क्योंकि वो इतना कुछ व्हाइट था. तो मैंने बोला, जब मैंने उसको अपार्टमेंट दिया, तो दूध की दुकान लग रही है, व्हाइट ट्यूबलाइट्स, व्हाइट टाइल्स, व्हाइट सब कुछ, और ऊपर ऊपर. अच्छा, अब हमें ब्रेक पे जाना है. ब्रेक के बाद वापस आके हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं. घर ले लिया, घर बन गया, उसके अंदर की चीजें और बहुत सारी और बातें पूछनी है इस सफाई और मेंटेनेंस के हवाले से. एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, सुनिए, जानिए और अडॉप्ट कीजिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जब कभी भी अपनी ज़िंदगी का इस तरह का स्ट्रगल का सफ़र डिस्कस करते हैं ना, तो वही फ्लैशबैक में चले जाते हैं. मगर आई डोंट नो, ज़िंदगी का मज़ा इसी में है ना. ज़िंदगी का मज़ा इसी में है कि कुआं खोदो और पानी पियो. एब्सोल्युटली, उसकी कदर भी फिर उसी तरह होती है. आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की होती ना, आप उस चीज़ को आई फील वैल्यू नहीं करते. ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी यंगर जनरेशन के लिए भी कि वो ये सीखें कि कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए दे हैव टू वर्क हार्ड. मगर हमारी जो नई जनरेशन है उनको कदर नहीं है, क्योंकि उनको हर चीज बनी बनाई मिल रही है. अब हम बनी बनाई दे रहे हैं ना अब बच्चों को अपनी. वो आंख खोलते हैं तो उनको हर चीज मिली हुई होती है. हमने हर चीज के लिए स्ट्रगल किया है. नहीं, लेकिन डिपेंड भी करता है. जो नई जनरेशन है वो अपने अपना पास जो है अपने पेरेंट्स का, वो भी चेंज कर रही है पढ़कर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइवर देखे हैं जिनके बच्चे बैंकर्स हैं. बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत मेड्स हैं ऐसी, जो बच्चे अच्छी जॉब से, पढ़ी लिखी जॉब से, स्कूल में टीचर्स हैं. सो मैंने एक प्रोग्राम भी किया था अपना. अलग अलग जनरेशन हैं, अलग अलग बच्चे हैं. हमें तो खैर जब कोई चीज रिजल्ट अच्छा आता था तो ये चीज मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी. ये करोगे तो ये मिलेगा. कैन यू बिलीव, फराल अभी 7 साल की हो गई है. फराल के पास एक टॉय नहीं है, फराल के पास एक डॉल है, और वो जब टूट जाती है उसके हाथ पैर फाड़े हो जाते हैं 2-3 साल लगा के. फिर कोई डॉल वो ऑर्डर करती है और वो उसी के साथ सोती है, उसी के साथ उठती, कोई टॉय नहीं है. हाँ, मैंने उसको वो स्पोर्ट्स वाली कार नहीं होती इलेक्ट्रिक, वो दिला के दी उसके बर्थडे पे, उसने छुई नहीं 3 साल पड़ी. फिर मैं भाई की बेटी को दे दिए, तो वो उसके पास कोई टॉय नहीं है, कुछ नहीं है. बस वो कलरिंग करती है, पढ़ती है, मेरे साथ खेतों में जाती है, भागती है, दौड़ती है, झूले झूलती, घर में झूला डाला हुआ है मैंने, ये सब कुछ करती है, मगर ये नहीं करती, उसको कोई टॉय नहीं चाहिए. अच्छा, अब क्योंकि आज हमारा शो जो है वो सफाई और इन सब चीज़ों को बेस करते हुए, सो हम फिजा तुमसे स्टार्ट करें. फिजा ने कुछ बहुत ही मज़ेदार वीडियोस भी उसने बनाई है, मोबाइल के थ्रू बनाई है, और वो लेकर आई है यहाँ के. बहुत सारी टिप्स हैं फिजा के पास, हर चीज़ में होती हैं, स्किन बालों में भी होती है. लेकिन फिजा अपने घर को भी बहुत स्पिक एंड स्पैन रखती है, सो इसीलिए मैंने कहा कि आज हम आप लोगों से ये फ़ायदा उठाते कि अपने प्रोफेशन के साथ आप लोग घर में भी एक सलीका शार वाक़ हुई हैं खवातीन. तो इसीलिए फिजा से शुरू करते, दिखाई जी फिजा की पहली वीडियो.
मिट्टी का तेल था नहीं, मैं मिट्टी का तेल से नाक के अंदर वो मरने के बाद जो रुइयां डलती है ना वो डाल के आपको सोना पड़ेगा। सरसों का खालिस तेल जो है ना, ओए हाय, घर में एक तो खुशबू, दरवाजे चमके। अब इतना बड़ा घर है, उसमें लकड़ी के इतने इतने काम है मेरे माशाल्लाह, तो उस घर में हर रोज तो सफाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए महीने जो है लगाए हुए होते हैं कि महीने के लिए आपने एक डेट फिक्स करके दरवाजे पे। अच्छा, मैं नारियल के तेल से जो अपने प्लांट्स हैं और चीजें, मैं नारियल के तेल से, क्या मतलब आप क्या कर रही हैं नारियल के तेल से? इसी तरह से एक बिल्कुल गीला, बिल्कुल इतना गीला ना हो कि उसमें से पानी निकले, हल्का सा हो, पानी निकाल दे उसका कपड़े का पूरा, और उसके बाद नारियल के तेल में उस नारियल का तेल लगा के, मैं तो स्प्रे बॉटल में और उसको कपड़े पर किया, और पहले जो जितने प्लांट्स हैं मेरे, जितने भी जो इंडोर प्लांट्स उनको पहले उस पे से मिट्टी साफ कर ली, और उसके बाद नारियल के तेल से एक लीफ लगा दिया। अरे प्लांट दुआएं देते हैं हमें, वो शाइन करते हैं, जैसे ये पालम ने लोगों को चमकाती हैं वैसी प्लांट। और अच्छा, जैसे तो नारियल का तेल मुंह पे भी लगाओ, वहां पे भी लगाओ नारियल का तेल ना, तो क्या कह रही, नारियल का तेल आप प्लांट्स के लिए कह रही हैं, लेकिन जब मैंने अपना घर जब मैं बनवाई थी तो पॉलिश के लिए जब आए थे, बहुत अच्छी पॉलिश वाले हैं मेरे, तो मैंने उनसे यही कहा कि, और मेरा घर समंदर के पास है, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा जंग लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनसे ये पूछा कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वही वाले जो पॉलिश जिसके आपने बात की वो बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ, नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता, तो अच्छा, मैं मुझे किसी मेट के हाथ में मैं देख लूँ, ये सिर्फ मैंने इस्तेमाल करनी है, छूने नहीं देती। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने दरवाजों पर भी इस तरह से कपड़े में लगा के नारियल का तेल, इसी नारियल का तेल थोड़ा सा मिक्स करके, मिट्टी का तेल थोड़ा सा और उसमें पानी थोड़ा सा डिल्यूट करके मिक्स कर देते हैं। मिट्टी का तेल तो मक्खियां भगाने के लिए बहुत अच्छा, मगर वो दरवाजों में जो शाइन हुई जिसने सरसों के तेल की, वो एक महीने तक फर्नीचर पे करें आप, लेदर पे करें आप, लेदर की भी शाइन आपकी जो है ना वो नहीं, और अब उसमें मिट्टी चिपकती नहीं है, तो बस मैं उसमें ये सरसों का प्योर करती है, मैं उसमें कोकोनट ऑयल और नारियल करती हूं। इसी तरह से निंदा, मैंने अभी जो घर बनाया था, जब आई देखेंगे उसमें वुडन फ्लोरिंग मैंने करवाई है, तो उस पे क्या होता है कि अगर जैसे कोई सफाई करते हुए उस पे पोछा लगा दे ना, वाइट धब्बे पड़ जाते तो नहीं, इट कम्स ऑफ, फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अगर ज्यादा पानी, और अगर ज्यादा पानी वाला तो उस पे भी बिल्कुल नहीं, उस पे भी एग्जैक्टली मैं ये करवाती हूँ कि नारियल का जो ऑयल होता है वो हल्के से डैम्प क्लॉथ के अंदर लगा के स्प्रे करके, क्या अच्छी शाइन होती, और इतना खूबसूरत फ्लोर क्लीन होता है, हर वक्त साफ रहता है। और मैं बताऊं तो स्प्रे करने के, मैंने स्प्रे भी किया है, उसकी से शाइन आती है, बट जो इन चीजों से जो शाइन आती है ना, वो स्प्रे वगैरह से नहीं आती। मैंने अपनी अम्मी से ये सीखा है, किचन में जब हमारे जो मार्बल टॉप्स लगे हुए होते हैं वो भी डल हो जाते हैं, उन पे स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो उसकी भी सफाई हम लोग सरसों के तेल, वो सरसों के तेल से हम करते हैं, तो उससे बिल्कुल शाइनी रहते हैं मार्बल्स, उन पे वो जो स्टेन पड़ जाता है ना, कभी पानी गिर गया, कभी नींबू नहीं आने देता वहाँ पे, चींटियां भी नहीं आती हैं, ऑयलिंग अगर हुई थी तो ये स्टेन्स भी नहीं पड़ते मार्बल। एक और टिप बताती हूँ, अभी देखते हैं इसमें मेरे पास जो ये दिखाएंगे तब बताएगा, कपड़े लिखेंगे। जबरदस्त जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा आइडिया है फिजा, ये तो नहीं शीशे, बड़े बड़े शीशे, ये सही बताया इसने फिजा ने से साफ होता कि मेरे घर में भी देखेंगे तो शीशे ही शीशा है, तो मैं कभी भी अखबार से, मासी आती है, बाजी अखबार में ना खबरदार अखबार, क्योंकि अखबार से लाइनें पड़ जाती हैं, अब मैं ये लाइनें गाड़ी पड़ जाती हूँ, एक अजीब सा डलनेस आ जाती है उससे, बिल्कुल पता नहीं, मैं फलाने का कपड़ा ले जो गाड़ी, ये सही कह रही, गाड़ी साफ करने वाला बड़े स्टोर से, ये मैं गाड़ी धोने के लिए लेकर आई थी, तो गाड़ी में कपड़े से धोती थी अच्छी तरीके से, गाड़ी में खुद धोती हूँ घर की, तो जब वो साफ नहीं होती तो फिर मैंने कहा ये फिर मैं क्या करूँ, फिर इसको इस्तेमाल किया शीशे पे, मैंने देखा तो चमक के, फिर वो मैंने वो जो लाना छोड़ दिया। अच्छा, मैं ये ढूंढ कर लेकर आऊंगी, क्योंकि सो फार मैं तो घर में अपने सारे शीशे अखबार से ही साफ करती हूँ, मैं लेकर आती हूँ अखबार से, मिल जाएगा तुम्हें ग्रोसरी स्टोर पे ना ही, और वैसे नॉर्मल कपड़े से अगर ये ना भी मिले तो कपड़े से मुझे लगता है फलने का कपड़ा नहीं नहीं रुआ नहीं आएगा, मगर
अच्छा मैं आपको बताऊँ, फर्नीचर जैसे ऐसे आपका है ना, वो भी इससे साफ करेंगी, आप मुझे दुआएं जरूर देंगी। अच्छा फिजा, इस ब्रश का कोई नाम है? बस गाड़ी साफ करने वाला स्पंज नजर आ जाता है। साफ करने इस, वाला। इसकी आपने शक्ल देख ली ना, इस तरह के ले लिए तो मिलता है। शक्ल देख ली है ना आप लोगों ने, इसलिए हमने वो दिखाया। ये इंग्लिश फिल्मों में बड़ा ज्यादा लोग दिखा रहे हैं लड़कियां गाड़ी साफ कर रही होती है सर्फ लगा के। मैंने वही देखा था इसलिए खरीदा था। ओके फिजा, आप दोबारा बताओ क्या क्या चीजें डाली हैं इसके अंदर। सॉफ्टनर था, बेकिंग सोडा, फिर मैंने बोला बेकिंग सोडा, मैंने पहले बोला सोडा, फिर मैंने कहा नहीं बेकिंग सोडा खाने वाला, वो सॉफ्टनर और थोड़ा सा कोई भी खुशबू वाला अगर आपने डालना है, और थोड़ा सर्फ वो जो खुला वाला मिलता है, ये वाला नहीं जो ब्रांड नेम नहीं लेना चाहती जिसके अंदर नीले पीले रंग होते हैं, वो नहीं, खुला सर्फ होता है, चिट्टा सस्ता भी होता है अच्छा भी होता है। बाजारी सर्फ लाके उसके अंदर वो सर्फ मिक्स कर दे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो खुले सर्फ की और बाजारी सर्फ कम, उसके बाद आप ये देखो ये सारे कपड़े बुरे धुले हुए खुशबू, आप मेरे पास आके देखो मेरे पास से आपको परफ्यूम कितनी खुशबू नहीं मिलेगी, परफ्यूम तो मैंने लगाया नहीं, जो सच बात हुई हूँ पहन के अभी शर्ट आई हूँ, तो जो मेरे पास से आपको खुशबू मिलेगी भीनी भीनी ऐसी खुशबू सर्फ की, वो इससे आती खुले सर से लेना चाहिए। अच्छा वो सर्फ नहीं लेना चाहिए बाजारी, अगर लेना है बहुत ज्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे तो ब्लीच उसके अंदर सब कुछ होता है, कपड़ा खराब नहीं करता, बस बाजारी सर्फ थोड़ा मिक्स करना समझे, एक मुट्ठी और एक किलो जो है खुला सर्फ, खुशबू अच्छी, कपड़े साफ झिलमिल। अच्छा खैर मैं तो नॉर्मल, ये तो इसने खुले सर्फ की बात करी, बट मैं नॉर्मल जो मिलता है बाजार में ये इसी तरीके सोफे में अपने ऐसे ही साफ करती हूं। अच्छा सॉफ्टनर जो है वो जो कपड़ों वाला वो होता है बच्चों के लिए, खास भी आ जाता है। इरम का सोफा है ना स्वेट का, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है, पहले लॉर्ड शिफ्ट, ये स्वेट था, ये स्वेट का सा है जैसे नहीं होता। अच्छा एक बात पूछनी है, जैसे मेरे घर का स्वेट का सोफा था, मैंने उसको स्पंज से रगड़ कर करने की कोशिश की तो स्वेट निकल गया, उसको किस तरह साफ, मैंने कपड़ा नहीं किया, वो कपड़ा वही वाला था जो मुंह पे टॉवल फलाल का बचपन का पड़ा हुआ टॉवल नहीं था, बेप वाला टॉवल बच्चों का वो था ये, और उससे सही हो गया था। नहीं स्पंज नहीं, स्पंज हार्ड होता है, कपड़ा नरम कपड़ा जो आप डस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया जब ये गड़बड़ हुई, मुझे कहा उसने कहा कि स्वेट को साफ करने के लिए आप स्वेट का ही कपड़ा लें और उस पे ये लगाएं पतला सा, और उस पर मुझे सोफे वाले ने मशवरा दिया था, उसने कहा कि स्वेट का सोफा साफ करने के लिए स्वेट का ही कपड़ा लें और उसके ऊपर ये सारी चीजें लगा के उसके ऊपर। एक और चीज बताती हूँ, स्वेट का सोफा साफ करना है तुम्हें तो उसके लिए स्कॉच ब्राइट का एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं मिरर साफ करने वाला जो आता है ना कपड़ा, वो लो और उससे साफ करो जो मिरर के लिए आता है। कार्पेट भी है ना, कार्पेट वो हमें सर वगैरह से नहीं धोने चाहिए, वो नहीं आते सूफी टाइप के सोप, रेक्सोना सोप, नायलॉन सोप, उससे कार्पेट इतने अच्छे धुलते हैं जो सर्फ से धोते सर्फ अंदर रह जाता है। अच्छा जैसे अक्सर मैं डिजाइनर कपड़े पहनती हूँ ना तो यहाँ पे कभी कभार जैसे बेस लग जाती तो मैं कोई डिटर्जेंट या कोई ऐसी चीज यूज नहीं करती, जो हाथ धोने का साबुन होता है उसको हल्का सा लगा के जल्दी जल्दी। मेरा जो टोटका है, मैं मेकअप वाला जो वाइप होता है ना उससे अपने जूते और कोई धब्बा पड़ जाए ना तो वो साफ करती हूं, फौरन निकल जाता। अच्छा मेकअप वाले वाइप से मैं तुम्हें देखो हर मटेरियल पे, जैसे अब ये मटेरियल है ना वो मेकअप वाले वाइप में थोड़ा सा ऑयल होता है वो निशान छोड़ स्टेन कर देता है। अच्छा तफाक क्योंकि मेरा तो रोज का काम है ना। अच्छा फलाल भी स्टेन लगे ना, ये स्कूल पेन आ गया, फराल क्योंकि पैंट बहुत गंदा करती है रोज की ना, फराल की सिर्फ पैंट ही की खरीदारी ज्यादा होती है तो क्योंकि आर्ट क्लास हर बच्चे की होती है तो सिरका सबसे अच्छी चीज होती है, वो आती है पैंट उतारती है, हमने एक टेबल के ऊपर ना फौरन जहाँ जाए वो सिरका लगा के हम छोड़ देते हैं 5-10 मिनट, सिरके में पानी नहीं मिला कुछ भी, सादा सिरका बस उंगली से ऐसे लगा के ना ऐसे जो होता है बस सादा वाला जो सिरका आता है किचन में वो ऐसे आपने लगा के छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद आपको लगा कि नहीं साफ हुआ है और वो खुद ही साफ हो जाता है, गायब हो जाता है, नहीं हुआ है तो आपने उसमें नमक या फिर बेकिंग सोडा जो है दोनों में से जो घर में अवेलेबल वो आपने ऐसे लगा दिया, उसके बाद आपने धोने में जैसे कपड़े बाकी धुलते हैं वो धुल लें, उस जगह को स्पेशली नहीं रगड़ना, वो साफ हो जाता है, कोई मेहनत नहीं। अच्छा एक और चीज है जो मैं यूज करती हूँ, जैसे स्पेशली अगर कोई कॉफी या टी स्टेन हो जाए कपड़े पे तो जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना जो हमारे घर में वो थोड़ा सा लगाकर उस स्टेन पे हल्का सा ब्रश, नहीं मैं हल्का सा ब्रश से उसको ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद एक पिंच सॉल्ट
उसमें स्प्रिंकल करके वार्म वाटर में सोक करो, तो उससे भी स्टेन्स बहुत, कॉफी और टी स्टेन्स भी निकल जाते हैं। सुबह ना मैं तुम्हें बताई थी सोफे की धब्बा अगर ना जाए ना, तो उसको कपड़े से रगड़ने की जगह मैं टूथब्रश रखा हुआ है, टूथब्रश से जो है ना मैं सोफे पे कोई धब्बा अगर लग जाता है तो मैं, क्योंकि वो स्वेट का है ना, तो मैं हल्का, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, तो उससे आप करें और आपका धब्बा फॉरन, कपड़ा रगड़ने से ना भुर आ जाते हैं, तो वो ब्रश से ना भुर नहीं आते। मुझे ये सोफा साफ करने वालों ने टिप दी थी कि स्वेड का कपड़ा जो है, लेदर का तो हो जाता था आराम से, लेदर का स्वेट जो है उसको स्वेट से ही साफ करोगे तो उसी खराब से, हाँ। मैं कहती हूं ब्यूटी टिप्स भी हो गई साथ में, हाथ की बचत रहती है ज्यादा, विम तो हर किचन की जरूरत, हाँ किचन तो विम के बगैर तो आप, विम तो फर्श के लिए भी अच्छा है और चिपटा कर देता है। तो बहुत अच्छा आइडिया फिजा तुमने दिया, उसकी वजह ये कि अब सर्दियां आ रही हैं, गैस की शॉर्टेज होगी अभी भी, जैसे लाइट जाती है जैसे गैस भी जा रही है, गैस की शॉर्टेज अब कितनी होने लगी, यहां पे भी सिलेंडर शुरू हो गए यार, अब कल दोपहर का खाना मैंने बलाज को बाहर से मंगा के खा खिलाया है, क्योंकि उसकी चीज फ्राई करनी थी, कोई गर्म हो तो चलो माइक्रो में कर ले, उसकी फ्राई करनी थी फ्रेश, स्कूल से आया बेचारे का, अब मैं क्या करूँ, गैस चली गई एकदम, बताए में गए, होती नहीं, हर वक्त सिलेंडर रखना पड़ता है, और मेरे घर में तो आजकल गैस आई नहीं रही है, पूरा खाना ही सिलेंडर पे, मेरे सिलेंडर वाले चूल्हे, अब तो चूल्हे आते हैं ना, नीचे सिलेंडर लगा हुआ है ऊपर चूल्हा है, तो मैंने वो दो रखे हुए थे, मैं तो खाना ही उसी पे बनता था सिलेंडर पे, आपका बर्तन काला कर रही है या नहीं कर रही, बट वो मैंने 6 साल यूज किया है वहाँ पे, और वहाँ गैस आई है, क्वालिटी भी होती है, तो वो नहीं काला किया उसने, ना सीरियसली नहीं किया मेरे बर्तन काले। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस तरह सब आपको बहुत ही मजे मजे की टिप्स देंगे घर को खूबसूरत रखने की, और ये मुझे लगता है ये इंटरेस्ट हर औरत का है। मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं फिजा ने कैसा चक्कर लगाया, और उसके बाद उसने घर गृहस्थी संभाल ली पूरी, वहाँ पे मेकअप वेकअप सब उतार के आई और बन गई घर के, नहीं मेकअप सबका हाल है भाई, कोई डॉक्टर हो, मतलब हम किसी को जज नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई पायलट हो, यार घर में सबने एक बराबर होने, बिल्कुल है ना, हर किसी के कभी कभार हेल्प भाग भी जाती है भाई, तो मासी मैं लाहौर में, मुझे मासी नहीं मिलती, 6 महीने में मासी के बगैर थी, खुद मासी बनी हुई थी मैं, पोछे भी लगा रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, बाथरूम भी धो रही हूँ, सोचो कोविड में तो सब यही बने, और फिर मैं क्या गाने लगा के ना अपनी एक्सरसाइज हो रही होती, एक अलग थेरेपी है आपकी। अच्छा मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं, देखते हैं, कहते कभी सैलॉन में होता है तो मुझे, जैसे तुम्हें पता है मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, तो कुछ भी बनाया होता है मैं लेके जाती हूँ, सुबह सुबह किया और बना के कभी कभार बच्चियों के लिए कुछ लेके गई। अभी थोड़े दिन पहले हुआ कि मैं यहाँ मोहम्मद अली वाले सैलॉन में थी, और मैं वहाँ कुछ बना के पास्ता बनाया था, वो लेके गई, अब वो क्लाइंट क्या ये सबने बनाया, तो इसी तरह से मुहर्रम में होता है तो मैं नियाज कराती हूँ, तो दूध का शरबत मैं एक खास मेरा होता है पिस्ते वाला बनाती हूँ, अच्छा। वो बना के लेके गए, उस पर वो ज़ाहिर है सब कुछ मैं सर्व करा रही थी, तो उस पर क्लाइंट्स नहीं मान रहे थे और मुझसे आगे पूछ रहे हैं कि सपा आप कुकिंग भी करती है, मैंने कहा तो क्यों, मैंने सपा के घर में सपा के हाथ का खाना खाया हुआ, मैंने भी एक तो उसकी डिश आउट करने का जो तरीका है वो, उसका लेआउट बहुत अच्छा है, टेबल सजाने का, फिर ये महंगे महंगे बर्तन यूज करती है और खाना ये खुद बनाती है, और एक तो हम लोग देसी में सपा के घर के दिखाए हम, देखो जरा इसके सैलेड बड़े अच्छे होते हैं, हां सपा का घर दिखाओ जरा, ये देखिए भाई स्टेयरकेस, हां ये अच्छा स्टेयरकेस, अरे भाई मैं ये देख रही हूँ लेकिन पता नहीं अगर इसका बिफोर दिखा सकती है नहीं दिखा सकती है कि ये क्या था, इसको मैंने क्या बनाया, दिखाओ भाई अगर ढूंढो बिफोर वाली पिक्चर अगर मिल जाए तो, इसका क्लीनिंग का मैं बताऊं, अब जो तुम कह रही थी मैं टिप देती हूँ कि ये व्हाइट मार्बल की मेरी स्टेयर्स हैं, इनका क्या है, इसकी सफाई का बड़ा ही खास तरीका है, अच्छा। जो मैं यहाँ पे ये देखेंगे बिफोर देख लें, दिखाएं जरा दिखाएं बिफोर देख लें, तो ये आपने खुद बनाया स्टेयर्स, यस हाय ला, और फ्लोर भी देख लो, फ्लोर भी देख लो और अब वहां पे फ्लोर देखना, हाय ला, अब पूरा वुडन फ्लोर है, अच्छा जबरदस्त, और इसकी सफाई, इसकी क्लीनिंग का बताती हूँ मैं, व्हाइट मार्बल की क्लीनिंग के लिए
आप ले जो हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं, हाँ, बोरिक पाउडर ठीक है, वाइट बोरिक पाउडर लें। वाइट बोरिक पाउडर को आप मिल्क के अंदर थोड़ी देर के लिए सोक कर दें, हाँ। उसके बाद वो पूरा लगा दें, लेप लगा दें, बिल्कुल उसको लगा के छोड़ दें, कपड़े से किसी चीज़ फिर उसके बाद एक सॉफ्ट कपड़ा लेके उसको रगड़ना शुरू करें। अच्छा, पॉलिश हो जाती है बिल्कुल, जो आपका व्हाइट मार्बल होता है उस पर जो येलो येलो से स्पॉट्स आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं, वो येलो स्पॉट्स के लिए एक और भी टिप है जो कि बहुत अनकन्वेंशनल सी और लोगों को यकीन नहीं आता, बट व्हाइट मार्बल पे सेवन अप वर्क्स वंडर्स। आप सेवन अप स्प्रेड कर दे, आप सोचें कि उसमें कितना जो हम पीते हैं कितना एसिड होता है, आपके मार्बल को चमका देती है व्हाइट सेवन अप। लोग तो कोक भी करते हैं, बट मुझे कोक लगता है कोक थोड़ा स्टेन ना कर दे, बट व्हाइट सेवन अप आप इसी तरीके से स्प्रेड करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे, उसके बाद आप साफ करें। अब लोग कुल्लियां भी करेंगे सेवन अप की, लोग कहेंगे नहीं जी व्हाइट हो जाती। आई नो, मैंने ऑनेस्टली लोगों को, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कि मैं नहीं करती हूँ ये, बट कुछ लोग कहते हैं टॉयलेट्स भी बहुत अच्छे साफ होते हैं। खाने की चीज कमोड में डालते हैं, इसलिए मैं नहीं करती है, खाने की चीज नहीं है। मैंने वैसे ये बात किसी को बोली, किसी ने कहा वैसे कमोड में खाने की चीज होती क्योंकि टाइम। अच्छा, अब इन प्लांटर्स की मैं बात कर रही थी कि ये जो है इनको पहले आपने इसकी डस्ट उतार दी, उसके बाद इसी तरह से आपने एक हल्का गीला कपड़ा लिया, उस पर कोकोनट ऑयल को स्प्रे बॉटल में भर लें, उसके ऊपर स्प्रे करें, आप डायरेक्ट लीफ पे स्प्रे कर दें और उसके बाद उसे साफ करें, इतने शाइनी लाइटिंग इतने खूबसूरत हो जाते हैं। ये वाली टिप तो हमने पहले भी बताई थी और अभी भी बताई दोबारा। अच्छा अच्छा, हाँ। अब ये देखें, मुझे ये होता है कि कोई भी मेरी पेंटिंग या कोई चीज जो है वो खराब ना हो। अच्छा, ठीक है, और उसकी सफाई, क्योंकि इस पे आके डस्ट बैठ जाती है। मेरी पेंटिंग्स पे क्या है, मैं ग्लास नहीं लगवाती। अच्छा, इसमें किसी को ग्लास नहीं लगता, ओपन है। आई एग्री, दिखाओ दोबारा, दिखाओ, एब्सोल्युटली एग्री। ओह माय गॉड, अच्छा तो फिर इसकी सफाई कैसे होती है? सफाई का बताती हूँ मैं आपको तरीका, कि जो पेंट करने का बड़ा वाला ब्रश आता है ना, चौड़ा वाला, जैसे दीवारें पेंट होते हैं, वो जो हार्ड वाला ब्रश है, इसकी डेली सफाई होती है। उसको आप आहिस्ता 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 सारी डस्ट चौड़ा वाला ब्रश होता है घर में पेंट, और मेरे पास वो ब्रशेस सफाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज से हैं, और डिफरेंट चीजें जो मैं उससे साफ करती हूं। एग्जैक्टली, हां, सेम विद मी, कि कार्विंग वाली चीजें तो बहुत अच्छी साफ होती हैं, कि अंदर अंदर से भी मिट्टी आपकी निकल जाती है, क्योंकि ग्रिप अच्छी होती है पेंट ब्रश की। अच्छा, ये क्या है, ये वाली, ये जार के अंदर कोई है भी, कोई औरत है अंदर? मेरे पास एक छोटी सी वैक्यूम मशीन है जो की कार क्लीनर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये सारे, ठीक है। इसके लिए क्या है कि मेरे पास एक छोटी सी हाथ में आप कह जाती है हैंडी, ऑनलाइन भी बैग, हाँ, वो कार की अपनी क्लीनिंग के लिए होती है, गाड़ी में आपको कॉर्नर्स और चीजों को डिटेल में, उससे मैं इन सारे प्लांट्स को साफ करती हूँ। तो वो अदरवाइज तो इसके अंदर मिट्टी चली जाती है। मैं तो धुलवा लेती हूं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं, बार बार तो आप वॉश नहीं कर सकते ना, और कुछ मटेरियल टिश्यू के भी होते हैं ना, बारीक भी होते हैं, कुछ कागज के भी होते हैं, खराब हो जाते हैं। एक और चीज वर्क करती है, मैं भी वॉश नहीं करती हूँ, मैंने भी एक दो अरेंजमेंट रखे हैं अपने फ्लावर्स के, वॉश अम्मी करती थी, मुझे लगता था उनकी फ्लावर्स की ना शो खत्म हो जाती है, उनकी जो फिनेस है वो खत्म हो जाती है। तो आपके पास, मैं ये यूज करती हूँ जो हेयर ड्रायर होता है ना,
उसको कोल्ड पे करके, गर्म पे करके नहीं, क्योंकि जो प्लास्टिक के होते हैं वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा आइडिया है। मैं ब्लोअर है, मैं ब्लोअर यूज करती हूं। ब्लोअर, ब्लोअर मेरे पास ब्लोअर है, मैं अपनी खिड़कियों पे भी ब्लोअर मारती हूं। अच्छा, ड्रायर हेयर ड्रायर तो ऐसी के पास होता है, इतनी जोरदार वो होती है कि वो पूरा। एग्जैक्टली, मगर निता की भी बात सही, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं प्लास्टिक क्वालिटीज जो होती है ना, ज्यादातर लोगों के घर में वो इस्तेमाल होती है, बहुत महंगे फ्लावर्स तो हर कोई नहीं अफोर्ड। हां, तो उसके लिए धुलना भी सही, वो धुलने के लिए सही। ये जो दिखा रहे हैं, ये मेरा एक कॉन्सोल है जो कि सोफे के पीछे है। अब जो ये देखो कैंडल स्टैंड है ना, इसके अंदर इस तरह से मिट्टी, जो ये इसके स्वेल्स आए हुए उनके अंदर जाके मिट्टी बैठ जाती है। वो चीजें रखी हुई है, बुदा रखा हुआ है, सबके अंदर मिट्टी। अब आप कपड़ा हाथ डाल के नहीं कर सकते, वही जो ब्रशेज होते हैं, नहीं नहीं नहीं, पेंट वाला ब्रशेज होते हैं ना, वो मैं बता रही थी, मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज के रखे, छोटे वालों से ये सारी चीजें। ये सारा कुछ तो डेकोरेशन के लिए रखा है ना, ये बुदा, ये सब कुछ सब बने, वो जो ढांचा रखा उसके ऊपर मेकअप ट्रायल होता था। इसीलिए सबक क्रिएटिव है ना, जो मुंह दे दो उसको निकाल देते हो। सीखा किधर से? इधर देखो इंस्टीट्यूट, दिखाओ और पिक्चर। हाँ, और यहाँ भी ये बताया बेटा, इसकी क्या बात? सबसे मुश्किल काम होता है लैंप के शेड्स की क्लीनिंग। यार बड़े मजे का शेप भी और अच्छा बड़ा शेड है। अब मुझे ये कैसे साफ होता है? हाँ, पूछे बताएं। जूता पॉलिश करने वाला जो ब्रश, होए होए, वो जो काला वाला ब्रश होता है, और इसके लिए स्पेशली मैंने काला ही रखा हुआ है, या कोट वाला जो कोट करते हैं ना ब्रश। अच्छा, अब इनका प्रॉब्लम क्या है इन लैम्प शेड्स का, कि अगर ये खराब हो गया तो फिर ये ना यहाँ बन सकता है ना ये मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेड जो लैम्प्स होते हैं उनका शेड ही बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, वो उसके अंदर साइड में होक्स में, तो वो नहीं हो सकता। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं थ्रू आउट उससे साफ करती हूँ। अच्छा, और सालों से उस ब्रश से साफ हो रहा है। यार इतने टिप्स दे रहे लोग, मुझे कैंडल भी तो बहुत रखे हुए थे, जो कैंडल्स होते हैं, कैंडल में मिट्टी जम जाती है उसका। अच्छा, कैंडल के अंदर जब मिट्टी जम जाए ना, तुम नेल पॉलिश रिमूवर लो, ठीक है, और वो जो अजीब ऊपर से लेयर नहीं आ जाती गंदी, नेल पॉलिश रिमूवर को एक कोई तौलिया टाइप का कपड़ा ले लो, उस पर लगाओ और उससे उसको साफ कर दो। सर्फ के पानी से सर्फ को लिया थोड़ा सा, और उसमें पानी में हल्का सा डिल्यूट करके वही तौलिए में लेके, और ऐसा ऐसे मानो बिल्कुल उसकी साड़ी काली काली मलमल के कपड़ा होता है ना, उससे तो बहुत ही अच्छा वो कैंडल साफ होती है, मलमल के कपड़े। एक नेल पॉलिश रिमूवर और डिटर्जेंट को लेकर ये कैंडल्स मेरे पास। अगली तस्वीर दिखाओ, आगे बढ़े। ये वीडियो है, क्या है दिखाओ तेरा वीडियो। उनको सबा को तो सफाई का एक वो है, एक क्रेज है, क्रेज है सिर्फ। अब अगर ये क्वेश्चन यू रखा है तो ये यू नहीं हो रहा। शैंडलियर कैसे साफ करती हो आजकल? मैं उसके लिए बड़ी वाली कुर्सी भी लेकर आई हूं, शैंडलियर की भी चीज देती हूं मैं, अभी देती हूं। आजकल तुम्हें गीला कपड़ा ही मार रही हो, शैंडलियर का बताइए। आइडियल क्लीनिंग कैसे होती है अभी बताती हूं। अरे व्हाइट, कितना मजे का दरवाजा है, जैसे लंदन अमेरिका का घर है, ऑल व्हाइट, आई लव व्हाइट। और लाइटिंग से अब आपने पुराना वो पिक्चर में फ्लो देखा था, और ये देखो हालांकि अपार्टमेंट है लेकिन कितना कुशादा है। पहले की पिक्चर में अगर तुमने जहाँ पे देखा था कितने गंदे गंदे टाइल्स से मैंने पूरा, ये वुडन फ्लोर जो डार्क वाला है या वो डार्क वाला, डार्क वाला, तभी तो इतना दे रही थी। अब ये जो मेरा स्टेयर केस है ना, इस पे एक ऊपर सीलिंग से, छत से, सबसे ऊपर से नीचे तक शैंडलियर आ रहा है। आई विश उसकी मैं वीडियो बना लेती, ये वाला ये रहा। अरे ये तो पुराना है, नया दिखाई बन के कैसा हुआ है ये कैसे साफ होता होगा इसके अंदर तो बंदा जाए खराब हो जाए। पुराना वाला कंडीशन थी, इसको बनवा के मैंने कैसे किया है वो दिखाएं। अच्छा, वो है तस्वीर है? हां हां, मैंने दी है तस्वीर, कह रही हैं दी है, ब्रेक के बाद ढूंढ लेंगे। चलो, अच्छा फिर अब ये जो शैंडलियर है इसका क्या होता है, आप नीचे टब रखवा देते हो, ठीक है,
ऊपर जाके चढ़ के और इसी तरह से जो ड्राइंग रूम के शैंडलियर्स है सबको नीचे टब रखें, ऊपर से उस पर आप जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें पानी भर के पानी डालना शुरू करें, सिर्फ पानी खूब स्प्रे करते जाएं उसको, वो नीचे आके गंदा पानी जमा होता जाए. ओके, ठीक है, टब में. और ये देखिए ये बना ऐसे था, आ गया, ये क्या बना ऐसे था, ये पूरा बन रहा है जिस वक्त काम हो रहा था. अच्छा, शैंडलियर का ऊपर से नीचे तक का, ये पुराना एक शैंडलियर था जिसको हमने न्यू कराया था. तो आप इसके नीचे टब रखा जाता है, ऊपर चढ़ के इस पे पानी डाला जाता है और पानी पूरा गंदा पानी जो है वो टब में जमा होता है. और फिर उसके बाद जो इसके क्रिस्टल्स इसमें लगे हुए हैं उसको एक सूखे कपड़े से हल्के हल्के पकड़ के साफ कर लें. इसी तरह से जो आपके ड्राइंग रूम वगैरह में शैंडलियर है ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ो और उसको पानी डालना शुरू करो, नीचे टब रखो, उसके बाद उसको क्लीन कर लो. अच्छा, सुखा लो, मगर नीचे सब साफ करके ऊपर से पानी से क्लीन कर. अच्छा, मैं तो साफ बात है, शैंडलियर साफ करने के लिए जो है उसको बुला लेती हूँ मंदिर को, जहाँ से खरीदा था उसकी सर्विस होती है, वो आता है, वो बैठ के खोलता है. छह महीने 4 महीने में आप बुलाएं वो पूरा चमका के चले जाए. अब मुझसे नहीं होते ये तो. इन्होंने पूरी बेकिंग की वीडियो पिक्चर्स लगाई. अच्छा, अब किसकी दिखा रहे हैं हम, रबाब. हाँ जी, रबाब तो मेरा किराए का घर है. तो किराए का तो सबा ने भी तो मेरा भी रेंट है. हम लोग भी जब किराए पे थे हम भी. मैं तो कमोड चेंज करवाती हूँ सबसे पहले. सबसे पहले कमोड चेंज करवाती हूँ मैं किराए के घर में जाके. मेरा मियां कहता है तुम बहुत पागल औरत हो कि तुम जाके किराए के घरों में उनके कमोड उखड़वा देती हो और अपने नया कमोड लगवाती हो. यदि मैं वो यूज नहीं करूंगी. मालिक मकान के बड़े फायदे होते हैं मेरी वजह से. सब कुछ चेंज कर. सामान तुम यहाँ से लेके गई थी, अपना घर का जो पूरा सामान से लेके गई थी, पूरा टूटा फूटा नहीं जब यहाँ से कंटेनर. नहीं यार, वो पैकर्स बहुत अच्छे तरह लेके जाते हैं और वो पूरे वुड में पैक करके लकड़ियों के उसमें डाल के. ये किसका दिखा रहे हो आप, बड़ी अच्छी एक चीज नहीं मेरी टूटी. मेरा भी घर जब मैंने शिफ्ट किया था तो मैंने पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया था क्योंकि मेरे पास तो इतनी ऐसी चीजें शीशे का सामान मेरा भी बहुत सारा. तो ये देखो ये कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं. मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ शिफ्टिंग करती थी तो हमारे घर में डब्बे बनते थे. अम्मी एक डायरी बनाती थी, डब्बों के अंदर क्या क्या चीज लिखी है उस पर डब्बा नंबर और डब्बे के ऊपर ही मार्कर से लिखा जाता था. वो लोग भी पैकेज भी लिखते हैं अब, लेकिन ये वाला काम हम कर चुके हैं अपनी अम्मा के साथ. जमाने में हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है. हम खुद करते थे ना तो कभी ये होता था कभी कोई चीज टूट गई या कुछ. मेरे इतने शो पीसेस और इतनी चीजें जो मेरी कलेक्शन है, माशाल्लाह एक पीस नहीं टूटा. करने से 5 दिन पहले आ गए थे. एक एक चीज उन्होंने पैक की और उसके बाद उन्होंने मूव की. तीन दिन में फिर उन्होंने सब डिसमेंटल किया. 15 लोग आते हैं. अच्छा बताओ भाई, चलो रबाब तुम्हारी बारी, चले दिखाएं रबाब की चीजें दिखाएं. मैं तो कितना सामान तो खुलवाया ही नहीं है यहाँ पे. अच्छा आप बताओ, तुम बताती जाओ क्या बताओ. ये मेरा एंटर होते ये लाउंज है. हाँ. ये डाइनिंग टेबल है जिसको मैं वही उसी तरीके से मिट्टी का तेल और वही डाल के कोकोनट ऑयल और पानी डाल के जो मैं पहले बता चुकी हूँ मैं उससे साफ करती हूँ. ये मेरे लैंप्स हैं, ये उसके हैं क्या कहते हैं फाइबर के, तो उसको मैं जो है ना ब्रश से हार्ड ब्रश से जो कपड़े धोने वाला ब्रश, क्योंकि ये तो हार्ड है ना बिल्कुल, तो ये उससे मैं सर्फ डाल के और उससे मैं इसको. ये नीला मुनीर का कौन सा ड्रामा लगा हुआ था उसने सब कुछ छोड़ के नीला मुनीर का ड्रामा देख लिया. नहीं मैंने कहा तस्वीर तो नहीं थी, पूछ रही हूँ कि इतनी बड़ी फैन तुम उसकी है तो है, बच्ची तो एक्ट्रेस अच्छी है यार. कोई लगा हुआ लगाया हुआ था, टीवी लगाया हुआ था, ऑन हुआ, ARY लगा हुआ है, जानू एक्ट्रेस एयरवाय लगा हुआ. ये मेरा लेदर का कंसोल है. हाँ. और ये पॉलिश का है. हाँ. तो इसकी सफाई कैसे करती है? मैंने ब्रश मैंने यही तो बताया कि कैसे क्लीनिंग करती है. नहीं मुझे कंसोल के नीचे एक जो डर्ट यही तो कह रही हूँ ब्रश मैं ध्यान से बताया यही वाला ये साइजेस मैंने भी एग्जैक्टली रखे हुए कि वो अंदर कौन सा ब्रश इजीली चला लंबा वाला है, एक चौड़ा वाला है, बड़ा फर्क का ऐसा चौड़ा वाला, आप सारे साइज के नहीं हुआ.
छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मुझे कुछ आज सफाई सफाई हो रहा है घर जाके, पता नहीं क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि सबके घर के खूबसूरत खूबसूरत कॉर्नर्स, उनको किस तरह मेंटेन रखना है, इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद से जब हम अपना आशियाना सजाते हैं तो उसको किस तरह साफ सुथरा किस तरह रखें। जितना खूबसूरत तुमने अपना घर सजाया, जिस तरह की टेबलें तुम लगाती हो, जिस तरह की सजावट ये रखती है, इसके घर में क्योंकि जा चुकी हूँ कई मरतबा, शो भी किया। अच्छा, तुम मेरे घर आई थी ना, तो खाने का लेआउट देख के तो मैंने ये कर ही नहीं सकती। और जो जो छोटी छोटी मैट टेबलों के लगाती है ना, बर्तनों के नीचे टेबल के ऊपर, वो एक खाने से हट के जो टेबल की सजावट है ना, वो मुश्किल है, वो आप नहीं कर सकते। मैं जो देख के शौक होगा, मुझे शौक है ना क्रॉकरी का और टेबल सेट करने का, बहुत ज्यादा शौक। और देख के दिल, मतलब दिल कर रहा होता है कि यार ये हमने करना, मगर आप कर नहीं सकते, चीजें बहुत मुश्किल है इसकी। मैं अगर कहीं बाहर जाती तो मैं शॉपिंग जो है यही होता है, मैट्स, घर की चीजें, ये इस तरह की चीजें। मैंने तो अभी इतना सामान वहाँ खोला नहीं है, मेरा ये कहते हैं तुम ऐसा करो, इस सामान को जो तुम्हारा ये है ना, ये बेच दो उसको, और तुम जब बेचोगी इसमें से गाड़ी ओडियों के दाम देगा मैं। अच्छे दाम में ही कहता है कि इतना हमारे पास बर्तन है, जमीन की भी तो दिखाओ ना चीजें। मैं तो घर ही पूरा नहीं दिखाया, रुबाब का कंप्लीट करें। हां मेरे ओके रुबाब का कंप्लीट ठीक है। हां मैंने कहा टाइम पर जल्दी-जल्दी कंप्लीट करें। ये लाउंज है नहीं, ये बेटे का कमरा है, सॉरी। अच्छा ये बेटे का कमरा है, ओके। ये लेदर का, ये ब्लैक लेदर का, ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन है। ओके ये बेटे का कमरा है, बैग पूरा लेदर, सारी ऐसी चीजें रखी है। लेदर को भी वही सफाई बड़ी मुश्किल है भाई, मुश्किल है, कार्विंग कार्विंग। अच्छा ये किताबों वाली जो ये जो रैक है, इसके अंदर बदबू हो जाती होती है, इसको कैसे रखती हो? किताबें जब पुरानी होती है, सफाई करते हैं आप रेगुलर सफाई किताबों को निकाल के करें, महीने दो महीने में नहीं होती। अच्छा अब उसको ये थोड़ी की रख दिया और खोला ही नहीं है, सीपेज की बड़ी स्मेल हो जाती है यार, एक सीपेज की बड़ी घर मेरे घर लाहौर में कराची के मुकाबले में थोड़ी कम डस्ट भी है। नहीं मैं बता रही हूँ, कराची के निस्बत लाहौर में बहुत डस्ट है वहाँ। यहाँ मेरा महीना चल जाता था, यहाँ मुझे 15 दिन में लाहौर में करनी पड़ती है डस्टिंग। या तो मैं ऐसे एरिया में, खुला एरिया है क्योंकि वहाँ खुला खुला सब कुछ है ना, कंजेस्टेड नहीं है चीजें, वहाँ बहुत मिट्टी आती है, जबकि मैं खिड़कियाँ दरवाजे बहुत कम खोलती हूँ। जब सफाई हो रही होती है ना, तब मैं जाली का दरवाजा लगा देती हूँ। नीलम मुनीर का ही कोई फैन है तुम्हारे मियाँ साहब तो नहीं देख रहे? अरे नहीं भाई, जिनका टाइम है मेरा मियाँ को नहीं देख रहा। नहीं, तुम घर पे नहीं लगाया हुआ था, मुनीर लगी हुई है। मैं नहीं लगाया हुआ था, ड्राइंग रूम शायद उन्होंने अभी नहीं दिखाया। हाँ ड्राइंग रूम ये रहा शायद, है ना कि नहीं है, वही चल रहा है। हाँ ये ड्राइंग रूम है, अच्छा मैं वहाँ देख रही थी। ये सोफा अच्छा है, मजे का है, ये ड्राइंग रूम है। अच्छा खल्ला, कितनी सफाइयाँ होती हो, इसके लिए वैक्यूम चलाती हो कारपेट के लिए या फिर उठा के? ब्रश सख्त वाला, मोटा वाला, मोटा वाला ब्रश ये। ओके हमें लिए तस्वीर भी होनी चाहिए ना। मेरे तो इस वक्त ड्राइंग की हालत ऐसी है, वो कोई देख ले क्यों मेरा बेटा गए हुए थे। हाँ, जब बारिश हमारे, देखो ये भी शीशा कार्विंग का ही, मेरा ज्यादातर कार्विंग का काम ज्यादा, मेरा बेडरूम भी नहीं दिखाया, टेबल स्टाइलिश है, मेरा बेडरूम में भी शायद बेडरूम भी दिखाएंगे। ये देखो ना कितनी सफाई करती होगी भाई, मैं आपकी सोच, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लेती मासी सफाई के? ये देखो ना तुम, नहीं मैं डस्टिंग खुद करती, खुद करती हूँ, मासी को डस्टिंग नहीं देती लाहौर में, तो नहीं देती, ये मेरा बेडरूम। अच्छा ये भी तो पूरा फर्नीचर जो कार्विंग वाला है, पेंट है, ये हैंड पेंट, ये हैंड पेंट हुआ हुआ है। हाँ ये पूरा जो है ना, ये हैंड पेंट। तो मत बेचना फर्नीचर, कोड़ियों के दाम पे जाएगा सच्ची, नहीं वैल्यू बनाने में इतनी महंगा। हाँ हाँ ये उस टाइम पे इतना महंगा बना था, तो ये बहुत, ये सारा हैंड पेंट है, इसका ड्रेसिंग बहुत बड़ा है, इन्होंने ड्रेसिंग भी, हाँ ये ड्रेसिंग जैसे सबा ने रिन्यू की है चीजें, वैसे इसका ड्रेसिंग भी जो है ना वो बहुत बड़ा है। इसकी सफाई मेरे घर में वाकई बड़ी मुश्किल है, मगर मैं खुद करती हूँ, मैं एक दिन लगाती हूँ और मैं खुद करती हूँ सारी सफाई।
जो सफाई करने का खुद मजा आता है, मजा भी आता है यार। हाँ। जब सारी चीजें साफ हो जाती है ना। हाँ। तो एंजॉय, मतलब मुझे अच्छा लगता है। हाँ। तो मैं कहती घर पूरा चमक रहा है, साफ सुथरा हो गया, एक रिलैक्सेशन। हाँ, शमीन की दिखाएं चीजें, अब शमीन की दिखाएं वीडियोस, और फिर पूछते रहे, साथ साथ टिप देते रहे। आपने आधी टिप्स तो इन्होंने ही शुरू में दे दी, तो वही टिप हमारी थी, तो वो अब हमारा सिर्फ घर। पंखे वंखे कैसे साफ करती हो? वही सर्फ के पानी, सर्फ के पानी ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे, और सर्फ के पानी से टॉवल में लेके आप उस पे आप सर्फ साफ कर सकते हो। क्योंकि मेरे घर में, अगेन, मैं समंदर के पास रहती हूँ, तो चिकनी मिट्टी होती है जो कि जम जाती है। उसके लिए आप खाली कपड़ा नहीं, पहले ब्रश रखा हुआ है, ब्रश से उसको स्क्रेप ऑफ करना पड़ता है पूरे पंखे को। अच्छा। जब वो मिट्टी, क्योंकि आप कपड़ा रगड़ेंगे तो वो और बन जाती है, कीचड़ टाइप की बन जाती है, तो वो ब्रश से रब ऑफ करके उसके पूरे वो लिटरली पीसेस में गिर रही होती है मिट्टी, उसके बाद फिर ये ब्रश सर्फ वाले पानी से कपड़ा लगा। ये तीनों लंबी लंबी है, जाले इतने आराम से साफ हो जाते हो। हाँ, मासी यही तो कहती है, मासी कहती है भाजी हमारा तो हाथ नहीं पहुंच रहा। नहीं, और फिर मैं सीढ़ी लगाई, खुद ही चढ़ जाती हूँ। मेरे घर में एक बड़ी लैडर है, एक छोटी है। अच्छा। एक थ्री स्टेप्स वाली भी है, वो फोल्ड करके खुल जाती है, तो चूंकि इस पे तो आप नहीं पहुंच सकते, मैं तो पेंटिंग के ऊपर भी पहुंच पाती हूँ। मुझे शौक बहुत है, जिस दिन ऑफ करती हूँ तो मुझे सफाइयाँ करनी होती है। अरे वाह, बड़ा मजा। अच्छा, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो भाई इतनी हाई सीलिंग्स नहीं है जितनी घरों में होती है, तो मैं तो वही फूल झाड़ू लेके बस अपने हाथ से ही, मुझे कहीं किसी चीज में चढ़ना नहीं पड़ता। गाड़ी तो रख ही नहीं सकती होगी, महंगी गाड़ी, क्योंकि साहिल समंदर के पास रहती हो, गाड़ियों का शौक तो पूरा नहीं कर सकती। गाड़ियों का वैसे भी शौक नहीं है, लेकिन जो मैंने गाड़ी नई निकाली थी मैंने के अपने यूज के लिए, उसका बुरा हाल है। एंड ऑब्वियसली यू नो आदमियों को ज्यादा शौक होता है गाड़ियां मेंटेन करने का, मुझे नहीं आता गाड़ी में। एनीवे, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता नहीं कि मैंने पिक्चर्स ली, क्योंकि वो बता रहे थे कि आप किन चीजों के बारे में बहुत पर्टिकुलर है वो लेकर आएगा। तो होता ये है कि कभी कभार, अच्छा ये एक वीडियो, पहले एक वो पे उसके बात कर दी थी, तुम बेड की, बेड की मैं बात कर रही थी कि बेड शीट, अगर वही बार मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई स्टेन लग जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि दिल नहीं चाह रहा होता डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाए, टीवी के सामने आपने ट्रे ली और आप बैठ गए, तो वो कभी कोई स्टेन गिर जाए, तो उसके लिए एक तो ये कि यू हैव टू एक्ट ऑन इट राइट अवे, आप वो स्टेन छोड़े ना। हाँ। कभी होता है ना इंसान टायर्ड होता है, पूरी चादर निकालो, बट इसमें आपको फॉरन एक्ट करना है। अगेन डिश वॉशिंग जो लिक्विड है, हाँ। वो मैं थोड़ा सा ब्रश से लिया, टूथब्रश मैंने एक पुराना रखा हुआ है, सॉफ्ट ब्रिसल वाला, हार्ड ब्रिसल वाला नहीं। अच्छा। वो लेके उसको स्टेन पे रब किया, थोड़ा सा सॉल्ट उस पर स्प्रिंकल किया, और फिर वार्म वाटर में मैंने एक टब रखा हुआ है, एक छोटा टब जो होता है, वार्म वाटर उसमें भरा और उसके अंदर सोक कर दिया एक से डेढ़ घंटे के लिए, उसके बाद आप निकाले सिर्फ हाथ से। मतलब जैसे कभी कभार चाय तो अक्सर बेड पे पीते हैं लोग, तो चाय गिर जाती थी तो हम लोग नमक लेने भागते थे, वो सही है क्या? दूध में आप भिगो दे, सोक चाय वाला सोक कर देना, दूध लेके प्याले में उसका चाय के लिए ना, तो उसके ऊपर नमक डाल दिया, अब नमक डाल के धो तो सही। धोएंगे नहीं, मगर दूध से भी निकल, धोते नहीं थी मैंने। तो सफाइयों की आप बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, हस्की कुत्ते रख लिए 2 महीने, खरीद लिए, वो एजेंसी वालों ने सस्ते दिए, लिए मैंने 2,20,000 के थे, तो बेचे मैंने मुफ्त में, समझे 1,20,000 मैंने अपने दोस्त को बेचे, उसने मुझे पैसे अभी तक वापस नहीं किया, अभी सुन के शायद दे दे। वो हर बार मुझे कहती है, पहले कहती थी चेकबुक नहीं मिलती, अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही, ब्लॉक भी किया हुआ मुझे, मिलती। हाँ, तो दो बुरी बात है वैसे। अच्छा सुनो, 5 मिनट रह गए उसकी कंप्लीट हो गई। हां, एक और चीज, अगर जैसे कॉफी स्टेन ना, आपको वही वाली बात, मिल्क में आधा कप मिल्क लें, उसमें वो जो पीस है ना उसको कलेक्ट करके उसमें सोक कर दें, वो दैट आल्सो वर्क। अगेन ये तो हम सब ने किया है, अगर ऑयल का स्टेन गिर जाए, हम सबको पता है उसमें पाउडर डाल, पाउडर, अच्छा अगर पाउडर डाल के, पाउडर डाल, अगर टैल्कम पाउडर ना हो ना, तो आपके घर में कोई आटा है, मैदा है, कोई भी पाउडर है, तो मैं टैल्कम पाउडर डाल देती हूं। मेरे पास एक और किसी दुश्मन के घर जाओ तो खुजली करने वाला पाउडर, और उसके ऊपर आप टिश्यू पेपर ऊपर रखे और उसके ऊपर ये मैंने मेरी बालकनी के आगे, मेरी बालकनी थी तो मैंने ये पूरी जगह निकाल के इसमें मैंने शीशा लगा, लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो अब आप देखें कि इसमें मैंने दोनों साइडों पे वो मैंने लैंप्स भी रखे हुए शीशे के बाहर। अच्छा, हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में हॉट वाटर आता है, नमकीन पानी, तो मैंने ये प्लांट्स में जब पानी डालना शुरू किया, मेरे प्लांट्स जल जाए, समझ ही नहीं क्यों जल रहे, फिर दिमाग में इसलिए तो नहीं कि हॉट वाटर,
तो मैंने इनमें मिनरल पानी डालना है। अल्लाह, मेरे ये प्लांट्स फिर सर्वाइव कर रहे हैं कि वो अब उनमें मिनरल पानी। लेकिन कितना अच्छा व्यू आ रहा है ड्राइंग रूम से, बहुत अच्छा लग रहा है। यूजुअली जब ये बालकनी होती है तो पर्दे वर्दे डले होते हैं, लेकिन वो ड्राइंग रूम को एक एलिवेट कर दिया। मैंने दूसरी वीडियो भेजी थी, ये गलत बनी हुई, मैंने कहा था वो प्ले कर, लाइट बहुत अच्छी है। ये अच्छा, मैं अपने घर की डस्टिंग खुद करती हूँ। अच्छा, मैं नहीं रिस्क ले सकती, छोटा है। अच्छा, मेरी इतनी बड़ी जगह भी नहीं है कि मुझे हेल्प की जरूरत पड़े। इट्स जस्ट अ 3-bedroom अपार्टमेंट, तो मैं अपना किचन खुद साफ करती हूँ और मैं डस्टिंग खुद करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे डर लगता है इतनी मेहनत से कि कोई तोड़ दे चीज। ऑनेस्टली जब मैं अपने घर में मूव हुई थी, तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपनी एक एक पेनी इन्वेस्ट कर दी अपार्टमेंट में। फॉर द फर्स्ट 5-6 months मैं मैट्रेस में सो रही थी, कोई फर्नीचर नहीं था घर में। फिर एक प्रोजेक्ट मिला तो उसकी तो इतनी, जब आपकी मेहनत की कमाई से आपने एक एक चीज खरीदी होती है तो आपको बड़ा दिल जो मेरी हेल्प है, शी इज नॉट अलाउड टू यूज झाड़ू एट ऑल। इसमें झाड़ू हैंग हुआ है, मैंने ब्रश लिया हुआ है, जैसे होता है ना आपका शू पॉलिश वाला ब्रश, लेकिन पीछे हैंडल होता है वो वाला सुतली के साथ जो होता है, उससे मैं बहुत हल्के से उसके ऊपर से कपड़े भी धुल जाते हैं, जैसे वो वाला। एंड देन नहीं, वो ब्रश के लिए सॉफ्ट वाला होता है। और उसके बाद हूवर, हूवर जो कि मिट्टी को इसके अंदर, हूवर नहीं वैक्यूम क्लीनर, हूवर जर्मनी की कंपनी का नाम था, उसका नाम है हूवर। हम हमेशा घर में आज तक उसको हूवर ही कहते थे। तो वैक्यूम क्लीनर पर्दों के लिए मैंने वो लिया हुआ हैंड, जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो बेस्ट होता है। ब्लाइंड्स तो खैर निकल के, ब्लाइंड्स के लिए आपको, क्योंकि वो फिक्स्ड हुई हुई होती है, आप यू कांट क्लीन देम एट होम। ज़्यादा ज़्यादा आप उसको अपने हैंड वैक्यूम से क्लीन कर लें, फिर वो आते हैं उतारते हैं तो आपको वॉशिंग के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से पर्दों का भी ये है। ओके, ये मेरी डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया का क्यूट सोफे अच्छे रखे, वी हैड टू हैव अ, मेरा और मेरी बेटी का शौक था कि एक छोटी डाइनिंग टेबल घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो विद द स्पेस दैट आई हैड, तो उसमें मैंने, लेकिन ये हार्ड टॉप है वुडन, और इसमें अगेन मैंने ना ग्लास रखा हुआ है ना मार्बल रखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई लाइक प्योर वुड टॉप। तो वो मैं इस पे कोकोनट ऑयल लगाती हूँ अपना, उसको वुड को शाइन रखने के लिए। नीचे का, नीचे का भी पूरा बेस जो है वुडन है, हार्ड वुड है, तो उसको मैं कोकोनट ऑयल से साफ करती हूँ। नेक्स्ट पिक्चर, जगह को भी अच्छा कर दिया ये मेरा घर बच्चे, अपने किचन में लगा लिया ग्लास टॉप का चूल्हा। मेरी अम्मी कहती रही कि देखो वो सिल्वर वाला लगा लो, जो हॉट प्लेट होती है, ग्लास का नहीं लगाओ। मैंने कहा नहीं, लुक तो इसी की अच्छी आती है। इसमें कुकिंग करते हुए मुझे टेंशन होती है, क्योंकि छींटे एक एक छींट नजर आ रही होती है, एक एक छींट, तो मुझे लिटरली, क्योंकि वही सफाई का प्रॉब्लम है, तो कुकिंग करते हुए ये जल्दी उड़ती है, जल्दी से कुकिंग करूँ और फिर साफ करूँ। तो इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है, इसमें मैं पहले अपना जो आता है ना आपका जो वॉशिंग लिक्विड वाला, जो स्पंजेस आते हैं, उससे पहले मैं जो उसकी ग्रीन वाली साइड नहीं यूज करती, उससे येलो वाली साइड से वो वॉशिंग लिक्विड जो होता है उससे पहले ये पूरा साफ होता है। ये हर कुकिंग के बाद मुझे ये करना पड़ता है, ये साफ होता है। उसके बाद सो फार आई हैव बीन यूजिंग अखबार ही ओनली, क्योंकि मुझे लगता है, आई एम टेलिंग यू, अच्छा आप अखबार छोड़ दें, अखबार तब भी आते हैं, लोग ड्रॉज के अंदर भी रखते होते हैं, कीड़े आते हैं, आपके ग्लास बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है छोटा है, मुझे लिखा मुझे लगता है किसी अखबार से, अजीब सा काला रंग आना उसका अखबार का, वो छूटता है। ये क्या है? ये मैंने अपना, ये मेरा सिटिंग छोटा सा, ये लाउंज टाइप, ये डाइनिंग के साथ है, डाइनिंग के साथ है एग्जैक्टली। तो ये जो फायर प्लेस है और ये जो मिरर है और इसके ऊपर जो पीसेज है और ये जो सारी लाइटें हैं ग्लास की, इनको मैं वंस अ मंथ, ये जो लाइटें हैं, ये जो शेड्स हैं, ये निकलते हैं, इनको मैं अगेन सर्फ के पानी में बकेट में भर के आधा और सोक करती हूँ, सोक करती हूँ आधे घंटे के लिए। उसके बाद ये निकलते हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट ग्लास है, ये सारी खुलती हैं। और उसके बाद फिर मैं इनको हल्के से कपड़े से साफ करके, अब मेरा जो हेयर ड्रायर है उसको कोल्ड साइड पे करके इस तरह से इनको सुखा के फिर ये वापस लगते हैं। कितनी मेहनती है हम औरतें सारी, ये जो पिक्चर फ्रेम, मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर का, वो अगेन आई टोल्ड यू, हार्ड वाटर
प्लस समंदर के साथ रस्ट, तो मेरे नल जो है वो उनपे इतना रस्ट, वो अजीब सा पहले व्हाइट और ग्रीन, ग्रीन कलर का जंग भी तो आ जाता, जंग आता है उसके ऊपर, कुछ अजीब सा स्केल जम जाता है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे बचपने का याद था, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था एक्सपेंसिव कटलरी लेने का, क्वीन एन की, गोल्डन एंड सिल्वर, उसमें भी बहुत रस्ट आता था, चम्मच खराब हो जाता, तो हमें किसी ने बताया था कि, अब मुझे नाम पता नहीं, ले सकते या नहीं, डेंटोनिक पाउडर। हाँ, डेंटोनिक पाउडर, यस यस यस, आज तक मेरी कटलरी जो है सारी, तो मैंने फिर अपने नलों के लिए वो यूज करना शुरू किया। मैं डेंटोनिक पाउडर लाती हूँ और कपड़े पे थोड़ा सा कपड़ा गीला किया, उस पर डेंटोनिक पाउडर लगा के इसको छोड़ दिया, पूरा मास्क करके, ना जैसे मास्क आप अपने फेस पे लगाते हैं, उसका वो पेस्ट छोड़ दिया नलों पे, और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा हार्डर कपड़ा लेके, जिसका थोड़ा सा रफ मटेरियल, तौलिया टाइप का, उससे आप उसको स्क्रब करेंगे, पूरे चमक जाते हैं सिल्वर कलर। मैं क्या करती हूँ कि मैं गीला ही नहीं रहने देती, जैसे यूज किया, मैंने एक टॉवल रखा हुआ है छोटा नीचे, तो जैसे ही यूज किया मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैंने बेसन का नल का भी साफ किया, मैंने शावर का भी साफ किया, लेकिन वो उस पे आए ना वो, क्योंकि जब आप गीला छोड़ते हैं ना, तो वो आपको रस्ट फॉरन छोड़ता है। बहन जो आपके हस्बैंड है, जो आपके घर के, मैं जाती हूँ बहन, मैं पागल हो जाती हूँ, मैं वॉश रूम से आते ही मैं अंदर जाती हूँ। जब बात कर रही है ना, आई टोटली एग्री कि आप जब बहुत सीखे क्लोज रहते हैं, मैं भी साफ करती रहती हूँ, लेकिन ह्यूमिड एयर इतनी है कि वो नलों को खराब करता है। इसका तो प्रॉब्लम अलग है। अच्छा, एक और टिप, वो मैं पिक्चर लेना भूल गई थी, मेरी तो अलमारियों में भी स्मेल हो जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़ों में स्मेल हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये करना शुरू किया। आप जब कोई नए बैग लें या न्यू शूज लें, कोई भी नया आइटम लें, उसके अंदर व्हाइट बैग होते हैं छोटे, वो जेल वाले जो होते हैं, वो अपनी अलमारियों में डालना शुरू कर दें, वो मैं सेव करती हूँ, गोल्डन मार्केट से मिलता है, एब्जॉर्ब करते हैं। कोई सी भी ब्रांड का जो साबुन का डब्बा होता है, वो भी अलमारी के अंदर फेंक दिया करो। खाली डब्बा, खाली डब्बा, खाली जो डब्बा होता है, या कुछ उसका, अगर कोई चीज, कोई प्लास्टिक पैक के अंदर भी सील्ड होता है, तो जब आपने सोप निकाल लिया तो फिर उसको ऐसे डाल दो, वो दैट वर्क्स। हाय, एक एक महीना आप तो सारे कपड़ों में खुशबू, और उससे वो नहीं आएगी, नमी नहीं आएगी, गंदी बदबू। हाँ, ये नहीं पता मुझे, मैं तो अभी तक उससे चेंज भी करना होता है हर महीने, ये नहीं कि पड़ा हुआ है कभी नहीं। भाई माशाल्लाह, सफाई का वो एक नियम का जज्बा आज आपका खूब उजागर हुआ होगा इस शो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच सबा, फिजा, रबाब, थैंक यू। ग्लैमरस खवातीन आज घर की झाड़ू पोछे और बाथरूम की सफाई कर रही होती है, फसल मार के, दो पालती मार के और लगे हुए होते हैं, निकल जाए निशान, निकल जाए। और मेरे और इत्तेफाक से चारों ग्लैमरस खवातीन बैठी हुई है यहाँ, जो कि घर के कोने कुदरों के बारे में, सफाइयों के बारे में बता रही है। सो वो वाली चीज है कि यार, हर औरत जो है वो घरेलू होती है, चाहे वो पायलट ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो मॉडल या स्टाइलिस्ट ही क्यों ना हो, सो ट्रू। वो उसके अंदर से ये अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसको घर सजा। और शायद हम सोचते हैं कि हम जैसी औरतें कुछ ज्यादा ओवर एफिशिएंट होती हैं, जो हम वर्किंग वुमेन हैं, जो हम काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है अल्लाह ने। एक एपिसोड आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि सैलून कैसे साफ रहता है, जो कि इतना आपका सैलून भी चमकता है। मैं तो वही, इतने लोग जाती हूं सभा के सैलून हूं ना, तो मैं कहती हूं फर्श चमकाते हैं, साफ रख ले शीशे, सैलून कैसे करती है, सैलून कैसे, वॉशरूम कैसे, वो चमक रहे होते, वो जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मरहला है उसको करवाने के लिए, उसका भी हफ्ता ही सफाई, उसका भी डिटेल, एक एपिसोड बनती है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई, जब बात हो स्किन केयर रूटीन की, तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, जो है प्योरीफाई फ्लेयर का मैजिकल बॉक्स। और जिस बॉक्स में मैजिक ही मैजिक भरा है, लेकिन जिस जबान में मैजिक भरा है, तो दो लोग हमारे पास है और वो है डॉक्टर ज़ारा अशा एंड फिज़ा। ये दोनों जो है वो आज प्योरीफाई फ्लेयर के बारे में बताएंगे। डॉक्टर ज़ारा के बारे में आप लोग तो जानते ही, हमारे शो पे आते रहते हैं, ये हमारे शो पे आती रहती हैं, कंसल्टेंट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं एंड
कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में, माशाल्लाह बाहर से डिग्री लेकर आई है ये डॉक्टर बच्ची, मैं तो इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ. सो वो अक्सर हमारे पास ये ब्रांड लेकर आ रही होती है. आज पिज़्ज़ा भी इसको इंडोर्स करने. अच्छा, आज मैं इसलिए इसके बारे में बताना पसंद करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हूँ. और लास्ट भी जब मैं आपके पास आई थी तो आपने कहा था कि मेरी जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो सनब्लॉक हो, मेरी नाइट क्रीम हो कुछ, तो दो बार हमने ऐसा कोई शो किया था, इत्तेफाक से प्योरीफाई मेरी चीज़ों में से निकला था. एंड आई रिमेंबर इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, मुझसे पूछा कि कहाँ से मिलेगा. तो मैंने फिर उनको इनबॉक्स पे, मैं वैसे किसी को हाय हेलो का जवाब नहीं देती, मगर मुझे फील होता है कि लड़कियां जब उनको या घर की बैठी औरत को कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है तो उसको कितना डिप्रेशन का शिकार होता है, तो एक हेल्प हो जाती है. हेल्प जो यूज करते हैं तो अच्छा, मुझे तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्टर ज़ारा को मैसेज करती हूं, मैं क्या दवा खाऊं, क्या लगाऊं. हां, इनकी मुझे भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था. अच्छा, मगर जब मुझे ये बंडल मिला था उस वक्त, क्योंकि टाइम नहीं मिला था यूज करने का, तो मैंने यूज नहीं किया था. मगर Honestly, इसका मैं बहुत सच रिव्यू जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलती भी हूँ कि कोई, मैं नहीं कहती कि मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ये कहती हूँ आप एक बार करके देखें. ये मैजिक बॉक्स जो है ना, बहुत आला है, बहुत आला. अच्छा, मैजिक बॉक्स के अंदर की चीज़ें भी बता देते हैं ना लोगों को क्या क्या है, ताकि फिर वो उनको आसानी हो सके. बिल्कुल, फेस वॉश से शुरू करते हैं ना सबसे पहले. फेस वॉश आप पहले कुछ बताना चाहती हैं मेडिकेटेड, तो फिर वरना मैं इसकी कहानी जो राज खोलूंगी वो शायद लोगों को नहीं पता. फेस वॉश है जो जिसके अंदर बहुत सारी बीड्स हैं, एक्ने के लिए बीड्स हैं, वाइटनिंग के लिए बीड्स हैं, फ्रेशनेस के लिए बीड्स हैं. अच्छा, ये स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है, ड्राई नहीं करता, प्रोटेक्ट करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, एक्ने बनने से रोकता है और बहुत स्मूथ ग्लोइंग लुक देते हैं. तो दिन में 3 times आप फेस वॉश यूज़ करें. तुम क्या क्या जो इसके अंदर जो बीड्स है ना, वो वाले नहीं है जिससे स्क्रबिंग हो जाए, चेहरा ड्राई हो जाए, क्योंकि स्क्रब डेली के लिए नहीं अच्छा. वो ऐसे रुई की तरह नरम नरम है. कौन सा वाला है फेस वॉश? मैं इसकी बात करूँ, मैं ऐसे दिखा देती हूँ. वो इतने नरम नरम है जैसे बारीक रुईयां नहीं होती कि चेहरे पे आपने छुआ तो. बीड्स और ये आपकी स्किन के अंदर जो है सारी इम्प्योरिटीज को खत्म करता है, हलचल भी तो बचाता है, ब्लड सर्कुलेशन को दूर करता है सबसे पहले. क्योंकि जब आप मुंह धोते हैं तो आप कहते हैं यार मुंह को चमका क्यों नहीं है, तो इसको धोने से एकदम से आपके जो चेहरे की डलनेस है वो ठीक हो जाती है. और ये 14 days, 12 days, 13 days के इस्तेमाल से ही ना लोगों के सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि वाकई चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो, शाइनिंग और हल्का रंग भी साफ होता है. रंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट सबके लिए है. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग यही कहते हैं कि भाई इसके रिजल्ट इंस्टेंटली, पूरे किट को यूज़ करने से इंस्टेंटली नहीं आ रहे. देखिए, जो चीज़ बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती है वो उतनी ज़्यादा स्किन को ख़राब करती है. प्योरीफाई फ्लेयर का फुल बॉक्स अगर आप 4 to 6 weeks रेगुलर यूज़ करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त 100% गारंटी मेडिकेटेड है ना. मेडिकेटेड है और वो रिजल्ट्स फिर हमेशा बरकरार रहेंगे. ऐसा नहीं कि आपने छोड़ा तो ख़त्म हो गए. अच्छा, आप देखिए ये तो कर लिया. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो? फेस वॉश का भी ये बताई थी कि हाइड्रेट रखता है. अच्छा, नहीं करते ना फेस वॉश, वरना तकलीफ होती है आपको कि हाथ थोड़ा सा खुश्क हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप? अच्छा, ये अच्छी तरीके से मुंह धो लिया, उसके बाद मुझे लगता है सबसे पहले मैं यूज करती हूँ वो करती हूँ टोनर. क्योंकि टोनर से होता है कि जो चीज़ अलग से रह जाती है या मेक ओवर हमारा रह जाता है या कोई डस्ट है वो साफ हो जाती है, ब्लैकहेड से भी बचा लेता है. हाँ, और इसकी जो मैजिकल चीज़ें हैं ना वो ये है कि ये आपके जो पोर्स हैं जो खुल जाते हैं, यहाँ पर तो कराची में सबसे ज़्यादा सबको यही प्रॉब्लम है, मॉइस्चर की वजह से पोर्स ओपन हो, पोर्स आपके मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं और पोर्स लॉक होना शुरू हो जाते हैं. और स्पेशली मैं तो ये रात के वक्त भी इस्तेमाल करती हूँ जब मैं ये सारी चीज़ों को यूज़ कर रही होती हूँ, चाहे इनकी नाइट क्रीम हो या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ डे क्रीम हो, तो मैं टोनर सबसे पहले फेस वॉश के बाद जरूर इस्तेमाल करती हूं. अच्छा, एक मैं एक मेडिकल क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर दानों वाला फेस है तो क्या वो टोनर लगा सकते हैं? हाँ, हाँ, उनके लिए तो बेस्ट है. तबर्रुक है उनके लिए. हाँ, बिकॉज देखिए आप दानों वाली स्किन एक्ने बैक्टीरिया कॉज करें ना एक्ने. हाँ. तो आप टोनर से अपनी अच्छी तरह स्किन को साफ करें, ये आपकी स्किन की बैक्टीरिया को रिमूव करेगी, डर्ट सेबम प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ऑयल आ रहा होता है उसको कंट्रोल करेगी. okay. तो एक्ने वाली स्किन के लिए तो मस्ट बेस्ट है. आप जाके हाइड्रेट करते हैं, क्लीन करते हैं, बैलेंस करता है पीएच, इट क्लीन्स द पोर्स, मिनिमाइजेस द पोर्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है. तो एक्ने ऑटोमेटिकली अगर आप रेगुलर टोनर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्ने खत्म होगा. ये मैजिक बॉक्स जो है जैसे ये रोज के इस्तेमाल के रोज के. अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और जो चीज़ दिख रही होती है क्रीम श्रीम जो उनको ईजी लगता है, टोनर को निगलेक्ट कर देते हैं. टोनर तो सबसे इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है, देखिए टोनर से आपकी गंदगी भी साफ हो गई, पोर्स भी न्यूट्रलाइज मिनिमाइज हो गए, बैलेंस हो गई पीएच,
और आपका मेकअप कितना अच्छा रिमूव करते हैं। अच्छा, और मेकअप बैठता भी बड़ा अच्छा है, अगर आप टोनर कर लेते हैं तो हाइड्रेट हो गया। पहले फेस वॉश लगाया, उसके बाद ये टोनर लगाया, तो अब आपको बाहर निकलना है तो पहले मुझे अपने आप को ना सब कुछ जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मैं थोड़ा सा ग्लो भी करूँ, मैं अच्छी भी लगूँ। मेकअप से पहले तुमने क्या क्या लगाया? और पहले ही मेरी स्किन पे वो लॉक सिस्टम आना शुरू हो जाए तो उसके लिए मैं सीरम इस्तेमाल करती हूँ, ताकि अगर मैं डे क्रीम लगा रही हूँ और फिर मैं उसके सारे फ़ायदे अगर अपनी जल्द पे यूज़ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसका सनब्लॉक भी यूज़ करूँ, तो मैं उससे पहले अपनी स्किन को वो सारे वाइटमिन, वो सारी चीज़ें दे दूँगी जो मेरी स्किन की ज़रूरत है। पेट के लिए खाने हम खाते हैं तो स्किन के लिए मुझे लगता है सीरम बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेनिट्रेट आपकी स्किन में जाके क्रीम नहीं करती, सबसे पहले करती है सीरम। अच्छा, हम ये मतलब लाइक बाहर जाने से पहले, धूप में जाने से पहले लगा सकते? कोई लगा सकते हैं, अगर आपकी देखिए ड्राई स्किन है तो पहले आप सीरम लगा लें, उसके 10 मिनट्स वेट करें, फिर आप उसको सनब्लॉक लगा लें एंड देन यू कैन वेयर योर मेकअप। अच्छा, सनब्लॉक धूप में निकलने वाले, मगर चूल्हे के ऊपर मुझे लगता है सिर्फ सीरम को अवॉइड करना है, क्योंकि रेटिनॉइल है और इसमें ऑर्बिटिन है, और इसमें ऑर्बिटिन और जो रेटिनॉइल होता है उस पे आप आँख के सामने बस ना जाए और थोड़ा सा अवॉइड करें, जुड़ियां वुड़ियां खत्म करता है ना रेटिनॉइल, इसलिए तो एंटी एजिंग भी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए सीरम लगा के सनब्लॉक लगा लें, अगर सिर्फ घर में खवातीन है तो वो सुबह उठ के सनब्लॉक लगाएं, फेस वॉश करें, टोनर से क्लीन करें और सनब्लॉक लगाएं। खवातीन जो घर में है उनको भी सनब्लॉक लगाना जरूरी है। देखिए सनब्लॉक का ये फायदा है कि आप प्रॉपरली अगर यूज करेंगे ना 8 से 10 दिन तो आपको स्किन इवन टोन नजर आएगी, जैसे यहाँ से अलग काली, यहाँ से अलग सफेद, तो सनब्लॉक के इस्तेमाल के बाद इवन टोन हो जाएगा। और इसके साथ ना बेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ग्लो बहुत, तुम्हारी स्किन तो बहुत फ्लॉलेस है माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर करके अच्छी हुई है, पहले तो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, जो सच बात है। अच्छा, ये सनब्लॉक इतना अच्छा है कि अगर आप बेस से पहले भी लगाते हैं तो आधा तो ये बेस का भी काम कर देते हैं, इससे शाइन, ग्लो, एक एक आपके कॉन्टोर्स ना फेस के एग्जैक्टली नज़र आते हैं। मैं बेस से पहले भी इसको अप्लाई करती हूँ, धूप में भी, और चूल्हे पर जाने से पहले तो मैंने कुछ भी अगर नहीं लगाया तो सिर्फ फेस वॉश करके, टोनर करके मैं ये लगा के फिर कुकिंग करती हूँ। सनब्लॉक के बगैर मैं कुकिंग नहीं करती, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। सनब्लॉक तो इनका मैं कहती हूँ, खवातीन कुछ कहती है ना यार, हम तो बाहर भी नहीं निकलते हैं फिर भी हमारा रंग कम हो गया है, हम टैन क्यों हो रहे हैं, तो खाने जो आप इतनी सारी मेहनत करती हैं अपने घर वालों के लिए, किचन में जाके पकाती हैं, तो सनब्लॉक ही तो बचाएगा ना। जरूरी, और आपकी लाइट्स, आप लाइट से भी स्किन डैमेज होती है, उसे प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आपने सनब्लॉक, अगर सिर्फ सनब्लॉक लगाना है तो आप सनब्लॉक लगा लें, और अगर आपने थोड़ा सा रेडी लगना है, आप चाहते हैं आपकी स्किन को वही वाली बात की थोड़े से वाइटमिन चीजें मिल जाए, तो फिर आप ये डे क्रीम इस्तेमाल। अच्छा, और मुझे लगता है डे क्रीम बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये भी आपको एक तो एंटी एजिंग का भी काम करेगी, आप जब थोड़ा सा लगा के इसको अप्लाई करके अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे जाएंगे तो ये अपने अपने काम जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो करना शुरू कर देंगे। एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम भी है ना? हाँ, ये डे क्रीम है। और अच्छा, डे क्रीम का रिजल्ट से पहले मैं आपको नाइट क्रीम का रिजल्ट दिखाऊं। ये तो मुझे इनबॉक्स आता है, मेरा तो दिल करता है कि मैं लोगों को जाके। डे क्रीम और नाइट क्रीम में फर्क क्या है? देखिए, डे क्रीम के अंदर SPF मिला हुआ है और वो है एंटी एजिंग क्रीम। नाइट क्रीम जो है वो डबल ग्लो क्रीम है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए और कॉलेजन की सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए। नाइट क्रीम सिर्फ रात में इस्तेमाल होगी, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप डे में नहीं यूज़ कर सकते, नाइट टाइम पे रिपेयर होती है स्किन। अच्छा। तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ताकि आपकी स्किन की टू टोन पिगमेंटेशन को ख़त्म करे और आपकी स्किन को ग्लो और हाइड्रेशन दे, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत देर तक रात को जाग रहे होते, तो कोई मसला नहीं ना, नहीं लगा के जाग लेना। जाग लीजिए, मगर फिर वही बात, इसमें रेटिनॉइल है, चूल्हे पे नहीं जाना, इसको लग पे नहीं जाना। रात को भी अगर आपने जाना तो फिर सनब्लॉक ही लगा के जाना, सनब्लॉक रात के चूल्हे के लिए भी इस्तेमाल कीजिएगा। एंड नाइट क्रीम का हमारे पास क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि स्किन को ड्राई करे, जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके फिर डे एंड नाइट क्रीम लगाए। ये देखें आप, माशाल्लाह से हाथ पे कुछ भी नहीं लगाती, मैंने देखा है बेशिस्क, जो अपना आपका अपना कलर है वही है, ठीक है, इसी पे सिर्फ मैंने ये नाइट क्रीम लगाई है। एक तो ये मास्क का काम कर रहा है, और आप इसका देख रहे हो सॉफ्टनेस कितनी है इसके अंदर, ठीक है, एक मास्क का काम कर रहा है, और साथ साथ ये क्या कर रहा है कि एकदम से स्किन जो है ना चेंज कर दे रहा है, यू सी। और इस तरह से लगाते हैं नाइट क्रीम, ऐसे नहीं कि आपने इसका आपने लगा लगा और रगड़ना नहीं है, रगड़ने से स्किन की फ्रिक्शन, अब आप अपना दूसरा हाथ दिखाएं कि साफ हो गया, एक तो गोरी गोरी, ठीक है,
प्यारा, और रात को आप अपने घर वालों के साथ ऐसे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कहीं जा भी रहे हैं या कोई ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आपने शाम को लगा लिया, फर्क आ गया एकदम, पूरा ये एक मास्क की तरह लेयर बना के ड्राई स्किन वाले थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके फिर डे एंड नाइट क्रीम लगाए, क्योंकि वो कंप्लेन आती है कि हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई हो गई. तो जिनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई है और जहाँ का वेदर बहुत ड्राई है, तो वो थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चराइज रखें, थोड़ा सा या सीरम लगा लें पहले, उसके बाद नाइट क्रीम. अगर इससे ना डबल टोन खत्म होती है, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, ये नाइट क्रीम इतनी मैजिकल है ना, मेलास्मा खत्म होता है, टू टोन स्किन एंड ब्राइटनेस आती है. अच्छा, अब अगर कोई पूरा मैजिकल बॉक्स नहीं खरीद सकता, सबके होता है ना, सबके अपने बजट्स होते हैं, मगर वैसे उनका नुकसान है, रिजल्ट उनको मैजिकली जो बंडल है ना इसी से. आज हम छोटे पैकेजेस भी बनाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्ने स्किन है, एक्ने स्किन है, उनके लिए तीन कौन से प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, जैसे जो एजिंग बता के जाए साथ वो बताते हैं. देखिए जो एक्ने स्किन है उनके लिए सबसे जरूरी है फेस वॉश, फेस वॉश, टोनर एंड सिरम. ये बंडल हो गया, ये तीन चीजें जो है एक्ने स्किन के लिए, फेस वॉश, सिरम एंड टोनर. टोनर ठीक है, वो ये तीन चीजें ले ले. जिनकी एंटी एजिंग स्किन है, फेस वॉश तो इम्पोर्टेंट है ही है, डे क्रीम, फेस वॉश एंड सिरम. ये एक्ने स्किन वालों के लिए, ये वाला एक्ने स्किन के लिए था. फेस वॉश, टोनर एंड सिरम इज फॉर एक्ने स्किन. जो पूरा मैजिकल बॉक्स नहीं खरीदना चाहते, जिनकी एक्ने स्किन. दूसरा क्या बताया था? दूसरा एंटी एजिंग. एंटी एजिंग. और एक और चीज, ये जो डे क्रीम है ना, ये रात को जब नाइट क्रीम लगाइए तो सिर्फ डे क्रीम का, ये किसी शायद आपने नहीं सुना होगा, ये मैंने क्योंकि ट्राई किया, आंखों के नीचे सिर्फ इसको टैप करके ना, डे क्रीम जो है पूरी क्रीम नाइट क्रीम लगाने के बाद उसको सिर्फ आंखों के नीचे टैप करके आप सो जाए, सुबह आपके रिंकल्स जब आप बेस लगाएंगे या कोई मेक ओवर करेंगे तो सुबह आपके रिंकल्स में इतना चेंज आएगा, आप कहेंगे ये इट वर्क्स. इस जरूरी नहीं है कि सिर्फ डे टाइम पे, सिर्फ रात को भी आप सिर्फ अपने रिंकल्स की जगह पे लगा लें, बिकॉज़ इट्स एंटी एजिंग. बहुत अच्छी चीज है. एंटी एजिंग के लिए हम फेस वॉश रेकमेंड करेंगे, सिरम थ्रू आउट द डे एंड डे क्रीम. ये तीन चीजें, ये बंडल हो गया. एक्ने के लिए बता दिया, एजिंग के लिए ये बंडल बता दिया. अब पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन छाइयां, जिनकी बहुत छाइयां है, बहुत डार्क कलर है, उनके लिए फेस वॉश, सिरम, सनब्लॉक एंड नाइट क्रीम. ये चार चीजें, चार चीजें मैं हमेशा आपको प्रॉपर रूटीन, जितनी ट्रीटमेंट कर ले, सनब्लॉक के बगैर तो चाहूंगी कि भाई लोग मैजिकल बॉक्स ही खरीदें, पूरा मैजिकल बॉक्स डिस्काउंट दे देना उसके ऊपर ताकि लोग पूरा खरीदें. उसके लिए 20% डिस्काउंट दो दिन के लिए मैजिकल बॉक्स पे, जो कंप्लीट मैजिकल बॉक्स खरीदेंगे उनके लिए 20% ऑफ है, और जो 3 प्रोडक्ट्स एंड मोर मंगवाएंगे उनके लिए फ्री डिलीवरी है. ये पैकेज, जैसे एक्ने पैकेज मंगवा लिया, ये पूरा पिगमेंटेशन और ब्राइटनिंग के लिए फेस वॉश, सनब्लॉक, सिरम एंड नाइट क्रीम. जैसे मैं हमेशा बताती हूँ स्किन केयर में चार चीज़ें, 3 दफ़ा फेस वॉश किया, सुबह सनब्लॉक लगाया, 4 बजे के बाद आपने सिरम लगाया, रात को नाइट क्रीम लगाई, आपको बहुत मेरा ये. अच्छा, पाकिस्तान से बाहर लोग जो है वो कैसे खरीदें? वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, हमारी ऑनलाइन डिलीवरी है, बट उसमें 10 to 12 days लगते हैं. ठीक है, और जो यहाँ पे है पाकिस्तान में लोग, वो ऑनलाइन मंगाए या ऑनलाइन, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या जो नंबर्स है उन पे कॉल करके प्योरीफायर फ्लेयर की वेबसाइट से मंगवा लें. अच्छा, जो क्लाइंट्स हैं आप लोगों के, उनको आप लोग फ्री कंसल्टेशन या कुछ इस तरह गाइडलाइंस देते हैं? अगर वो फोन पे पूछें तो फिर हम उनको प्रॉपरली देखें. जैसे ये क्वेश्चन था कि हमारी स्किन और ड्राई हो रही है, इस्लामाबाद का वेदर ड्राई है, तो वहाँ की लेडीज ने कंप्लेन की नाइट क्रीम और डे क्रीम से ड्राइनेस हो रही है, तो हमने उनको बताया थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें फिर ये क्रीम लगाएं, तो आपकी स्किन, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. हम प्रॉपरली गाइड करते हैं, मैं थ्रू आउट द जो भी क्वेरी आती है उसको पर्सनली डील करती हूँ, वेबसाइट पे जो भी कंप्लेन आती है उसको हम डील करते हैं, उनको गाइड करते हैं, पूरी प्रॉपर कंसल्टेशन, एंड दैट्स फॉर फ्री. दो दिन के लिए 20% ऑफ है, सो अवेल करें. लाहौर में इसकी बहुत डिमांड है. मेरी तो जितनी फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे कहती हैं बॉक्स लेकर आना, कराची जाते मैं कहती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर कर, ये तू लेके आना. इतनी इसकी वाकई, क्योंकि जिसने एक बार इसको ट्राई किया है ना, बल्कि सिर्फ एक क्रीम भी, नाइट क्रीम भी अगर किसी ने लगा ली ना, तो आदत पड़ जानी है आपको, एकदम से ना रंग बदलना शुरू हो जाएगा. और देखिए प्रॉपर करें, ये ना सोचें कि भाई 10 दिन हो गए हमने लगाई और रिजल्ट नहीं मिला, ये वो फार्मूला क्रीम नहीं है. आप इसकी प्रॉपरली यूज करें और आप रिजल्ट्स देखें. थैंक यू सो मच फिजा, आपका भी, डॉक्टर ज़ारा आपका भी. Welcome. और ये था हमारा आज का शो. मुझे लगता है कि हमने चेहरे की लीपापोती से लेकर घर की लीपापोती तक सब चीजें कवर कर ली हैं, और अब आप लग जाएं सफाई में. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़.